तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आर के नारायण की एक बहुत ही कमाल की नोवेल द बैचलर ऑफ आर्ट्स। दोस्तों ये आर के नारायण की ट्रायोलॉजी जो तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट नोवेल्स थी, स्वामी एंड फ्रेंड्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स और द इंग्लिश टीचर, उनमें से एक है। इस वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। एक घंटे की ये वीडियो होगी। मैं पूरी कहानी को ढंग से समझाने की कोशिश करूंगा। ऐसा आपको लगेगा ही नहीं कि आप एक नोवेल पढ़ रहे हो, आपको लगेगा जैसे आप एक फिल्म देख रहे हो। आपको करना कुछ नहीं है, अपनी आंखें बंद करो और बस इस कहानी को फील करो। जब ये वीडियो एंड होगी तो मैं आपसे मिलूंगा, आपसे कुछ सवाल करूंगा। फिलहाल शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। मिलता हूं आपसे इस वीडियो के एंड। चंद्रन जल्दी जल्दी यूनियन की सीढ़ियां चढ़ रहा था कि यूनियन की सेक्रेटरी नटसन ने उसे पकड़ लिया। अरे भाई किधर किधर, मैं तुझे ही ढूंढ रहा था। तुझे याद है कुछ टाइम पहले तूने मुझसे कोई वादा किया था? नहीं तो? अरे भाई तूने कहा था ना कि कभी किसी अच्छे भाषण देने वाले की ज़रूरत हो तो तू बैठा है। तो भाई आज तेरी सख्त ज़रूरत है। भाषण कॉम्पिटिशन होने वाला है और मुझे कोई मिल नहीं रहा है। देख, इज्जत का सवाल है, मना मत करना। आज की डिबेट का टॉपिक है कि अगर दुनिया में कत्ल किए जाएँ तो इतिहासकारों यानी हिस्टोरियंस का कत्ल सबसे पहले किया जाना चाहिए। इस पर तुझे बोलना है, शाम को 5 बजे तैयार रहियो। कहकर वो जाने लगा। तभी चंद्रन ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मेरे भाई, भाई मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, क्यों मेरी वाट लगा रहा? ये क्या सब्जेक्ट चुना है डिबेट का तूने? भाई मेरा प्रोफेसर मुझे कच्चा चबा जाएगा। अरे तू उसकी चिंता मत करना, मैं उसे बुलवाऊंगा ही नहीं। अरे इससे अच्छा तो तू सब्जेक्ट ही चेंज कर लेना भाई, ये नहीं हो सकता भाई, प्लीज़। नहीं 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 नहीं, हाथ छोड़ मेरा, शाम को 5 बजे आ जाइए। तो भाई एक काम कर, मुझे हिस्टोरियंस के सपोर्ट में रख दे, सुन। वो चला गया और बेचारा चंद्रन यहाँ पर फंस गया। वो घर पहुंचा और रात को नींदों में उसे सपना आया कि उसका हिस्ट्री का प्रोफेसर उसके पीछे कुल्हाड़ी लेकर भाग रहा है। सुबह उठते ही सबसे पहले वो स्पीच तैयार करने लगा अपनी कि हिस्टोरियन का खून सबसे पहले किया जाना चाहिए, फिर किसका किया जाना चाहिए, साइंटिस्ट का, फिर कारपेंटर्स का, हैं? अगर खातियों को मार दिया जाएगा तो चाकू का हैंडल कौन बनाएगा? ऐसी ही बचकानी बातें वो सोचने लगा। आखिर उसने तय कर ही लिया सोचते सोचते कि उसे बोलना क्या है। 4:30 बजे वो अपने कमरे से बाहर निकला, हॉल में स्पीड से 2-3 चक्कर लगाए, बाथरूम का दरवाजा धक्का देकर खोल दिया, मुंह धोया पानी छिड़क कर और वापस कमरे में घुस गया। बाल बनाए, चॉकलेटी रंग का कोट पहना और निकल गया। वहां सेक्रेटरी नटसेन पसीने में तर बतर लोगों का इंतजार कर रहा था। चंद्रन को देखते उसने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, आजा भाई आजा, और हॉल के मंच पर लगी हुई कुशन चढ़ी कुर्सियों के पास में से ले जाकर एक कुर्सी पर उसे बैठा दिया, स्पेशल लोगों के लिए जो लगी थी स्पेशल लोगों के बीच में। चंद्रन ने अपनी जेब से रुमाल निकाला, चेहरा पहुंचते हुए चारों तरफ नजर डाली। हॉल में करीब 1000 लोगों के बैठने की जगह थी, लेकिन बैठने वाले कम ही थे। 50 लड़के करीब छोटी क्लासेस के थे क्योंकि वो नए थे, 20 लड़के करीब फाइनल ईयर के थे, यही कोई 70-80 जने थे। लेकिन सेक्रेटरी नटसेन ने उसके कंधे पर झुककर कहा, काफ़ी लोग हैं। हाँ बेचारे ने क्या गलत बोला था, इस टाइप की डिबेट्स में इतने लोग आ जाएं वही काफ़ी हैं, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं ऐसे भी। तभी बाहर घर घर करती हुई एक गाड़ी आकर रुकी, प्रोफेसर ब्राउन की। उनके आते ही बहस शुरू हुई, उनके आने का इंतज़ार किया जा रहा था, तालियों की आवाज़ गड़गड़ाने लगी। चंद्रन आया, मेज पर रखे पेपर की तरफ नजरें डाली और बोलने लगा, दुनिया में हिस्टोरियंस का कत्ल सबसे पहले किया जाना चाहिए। मैं खुद एक हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, इस बात की अहमियत समझता हूँ कि क्यों किया जाना चाहिए। इसके बाद वो चटपटी बातें करने लगा, बोलने लगा, तालियां बजने लगी। ऐसा कुछ भी नहीं बोला उसने जिससे किसी को हर्ट हो जाए। 20 मिनट तक वो बोलता रहा और उसकी नज़र गई प्रोफेसर ब्राउन पर। प्रोफेसर ब्राउन को देखकर उसके दिमाग में बस एक ही बात आई कि ये आदमी यहाँ पर बस दिखावे के लिए बैठा है। असल में अभी इसका दिमाग टेनिस कोर्ट में ताश खेलने में मेज पर लगा हुआ है, दिखावा करता है ये आदमी। ये सारे यूरोपियंस ऐसे ही होते हैं, इनके क्लब्स में इंडियंस आर नॉट अलाउड, फ्री की तनख्वाह लेते हैं क्लब्स में उड़ाने के लिए। अगर कभी सत्ता मेरे हाथ में आई ना, सबसे पहले इन लोगों को क्लब बंद करवाऊंगा, ऐसा सोचने लगा। इसके बाद वोटिंग हुई, चंद्रन को भाषण में सबसे बेस्ट माना गया। सेक्रेटरी उठा, कूदकर माइक के पास जाकर बोला, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। लेकिन धन्यवाद सुनने के लिए कोई वहां पर होना तो चाहिए ना। हॉल खाली हो चुका था, शांति छा चुकी थी, लाइटें बंद होने लगी और सेक्रेटरी नटसन का तो काम हो गया। लेकिन अब तक उसने चंद्रन की तारीफ नहीं की थी, अपना ही रोना रोने लगा कि यार पता नहीं कैसे मैं सेक्रेटरी बन गया, पढ़ाई के लिए तो टाइम ही नहीं मिलता। अब देख अगस्त आ गया, पॉलिटिकल फिलॉसफी की किताबें भी नहीं खोली अभी तक। चंद्रन के लिए ये सब कोई नई बात नहीं थी, इसको अगर सब कुछ दे भी दिया जाए ना तब भी ये रोता रहेगा, चंद्रन ये बात जानता था। लेकिन वो अभी फिलहाल अपने भाषण की तारीफ सुनना चाहता था। तो वो बोला, तुझे किसी ने इन्वाइट तो किया नहीं था कि गुरुजी आओ सेक्रेटरी बनो, तू ही इलेक्शन के टाइम पर वोटों की भीख मांग रहा था। और भाई इलेक्शंस के टाइम पर तूने ना वोट्स खरीदे भी हैं और चुराए भी हैं, तुझे क्या लगता है किसी को पता नहीं है? मुझे सब पता है भाई, तू अभी ये बता ना अभी क्या करूँ।
रिजाइन कर दे, सिंपल। देखा ना तूने कि तुझे सेक्रेटरी के रूप में देखकर किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं था। ओ भाई ओ, तुझे पता है मैंने हर एक वोट को पाने के लिए कितना खिलाया लोगों, बाप से मांग मांग कर बातें कर रहा है यार। 70 रुपये खर्चा हुआ है मेरा। ऐसे ही बातों बातों में प्रोफेसर ब्राउन की बात निकली। सेक्रेटरी बोला, कुछ भी बोले यार, प्रोफेसर ब्राउन एक अच्छा प्रिंसिपल है, मजाक किया है, अच्छा ह्यूमर है, सेंस ऑफ ह्यूमर। तो चंद्र बोला, टिंडे अच्छा प्रिंसिपल है, मक्कार है, एक नंबर का पाखंडी, 1000 रुपये महीना कमाता है क्लब में उड़ाने के लिए। बातें करते करते दोनों मार्केट रोड पार कर चुके थे, फवारे के पास पहुँचे। फिर दोनों को लगा हम फालतू की बातों पर बहस कर रहे हैं, एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। फिर आगे जाके कभी स्ट्रीट पर पहुँचे। आखिर चंद्रन ने पूछा, अच्छा सेक्रेटरी ये तो बताओ कि तुमको मेरी स्पीच कैसी लगी। फिर सेक्रेटरी ने तारीफों के पुल बांधना शुरू कर दिए। और कबीर स्ट्रीट पहुंचने के बाद में चंद्रन ने पूछा, यहाँ रहते हो तुम? हाँ, मतलब फैमिली के साथ में? नहीं, पीजी। फैमिली तो गांव में है। किराया कितना है? 3 रुपये, छोटा सा कमरा है। और खाना? होटल से खाता हूँ। कुल मिलाकर 15 रुपये भेजते हैं, एडजस्ट करना ही पड़ता है। क्या करूँ, इलेक्शन के टाइम पे इतना खर्चा हो गया कि बाप ने पैसे भेजना ही बंद कर दिए। आओ तुम भी कभी मेरे कमरे पर आओ। जरूर आऊँगा, कहकर गुड नाइट बोलकर वो जाने लगा, क्योंकि सेक्रेटरी का कमरा बहुत ही गंदा था। अभी सेक्रेटरी कबीर स्ट्रीट को थोड़ा पार करने ही लगा था, आगे बढ़ा ही था कि चंद्रन ने पीछे से आवाज़ देकर पुकारा, सुनो। सेक्रेटरी वापस आया, हाँ बोलो। यार मैंने वो जो रिज़ाइन की बात कही थी ना, वो मजाक में बोली थी, सीरियसली मत लेना। है? नहीं मैं तो लूँगा। अरे पता है यार, तू भी ना, कहकर वो जाने लगा। और सुन एक बात और, बोल। ऐसा मत सोच रहा कि प्रोफेसर ब्राउन मुझे पसंद नहीं है, अच्छा आदमी है, मजाकिया आदमी है, ड्रामा खुद पढ़ाता है लिटरेचर के, मुझे गलत मत समझना। अरे नहीं यार, चल चलता हूँ, कहकर सेक्रेटरी अंधेरे में गायब हो गया। सेक्रेटरी आदमी तो अच्छा है, लेकिन उधारखोर है, शौक बड़े हैं इसके। इसके बाद चंद्रन भी अंधेरी गली में अपने घर को लौटने लगा। अब चंद्रन घर को चल दिया। अब घर पहुंचने से पहले इसके दोस्त रामू का घर पड़ता था, उसने रामू को आवाज लगाई, रामू। अंदर से आवाज आई, आया। वो बाहर आया, चंद्रन ने उससे पूछा, क्या बात है, तू आया नहीं मीटिंग में? अरे यार मम्मी को बाजार लेके गया था। वैसे तू ये बता, कैसी रही तेरी स्पीच? बढ़िया। सच? वाह यार। दोनों इतने खुश थे जैसे दिल्ली में कोई वित्त विधेयक पास हो गया। भीड़ बहुत होगी ना? हाँ थी तो सही, 2 लाइनें भर गई थी आगे की। तुझे आना चाहिए था यार। चल छोड़, ये बता मूवी देखने चलेगा? भाई 9 बज रहे हैं रात के। कोई बात नहीं, तो क्या हो गया, तूने खाना खा लिया ना? बस कूट पहन कर नीचे आ जा, मैं भी 5 मिनट में आया, रामू बोला। भाई तो फिर टिकट तू खरीदेगा, याद रखना। हाँ ठीक है, कहकर वो चला गया। चंद्रन गया अपने घर पर तो देखा पिताजी बरामदे में चक्कर लगा रहे थे। देर से घर लौटना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। दरवाजे की जंजीर को ध्यान से हटाया, दरवाज़ा खोला, धीरे से अंदर आया, बिना आवाज़ की जंजीर को वापस लगा दिया। और वो चाहता तो चुपचाप जा सकता था, लेकिन अभी उसकी उम्र 21 साल है, बाप की परेशानी देखी नहीं जाती इस उम्र में। और अच्छा नहीं लगता था कि इस उम्र में चोरों की तरह बच बच कर घर में जाऊं। फिर उसने जोर शोर से फिर से जंजीर उठाई और पटक दी। पिताजी चौंक गए, उन्होंने अपनी नज़रें घुमाई, देखा कि चंद्रन लंबे लंबे पैर फेंक कर आगे की तरफ बढ़ रहा था। आगे जाकर वो सीढ़ियां चढ़ने ही लगा था कि पीछे से पिताजी की आवाज़ आई, 9 बज रहे हैं। पिताजी वो डिबेट में उलझ गया था। अच्छा कैसी रही तुम्हारी स्पीच? फिर पूरी बात बताई। चलो अच्छा हुआ, अब जाके खाना खा लो, माँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। फिर ये रसोई में गया, जाके बावर्ची को बोला, दही चावल दे दे। माँ तो इसकी बरामदे में बैठी, माला हाथ में लिए नारियल के पेड़ों को देखते हुए राम नाम जप रही थी। चंद्रन की आवाज़ सुनते ही वो रसोई की तरफ बढ़ी। तब तक वो खाना खा चुका था। उन्होंने पूजा के कमरे में जाकर खूंटी पर माला टांगी, भगवान की मूर्ति के आगे सर झुकाया और रसोई में जाकर बावर्ची से पूछा, ठीक से खाया ना उसने? बावर्ची बोला, नहीं किधर खाया, दही चावल खाया, वो भी जल्दी जल्दी। चंद्रन जी माँ, कहाँ की जल्दी है बेटा? माँ सिनेमा जा रहा हूँ, 1 रुपया दे दो ना। लो दराज खोल कर निकाल लो चाबी का गुच्छा। फिर ये दोनों दोस्त गए सिनेमा देखने के लिए। रास्ते में चंद्रन एक दुकान पर रुका, कुछ पान खरीदे, एक पैकेट सिगरेट खरीदी। चंद्रन उन लोगों में से नहीं था जो पिक्चर देखकर घर चले जाएं चुपचाप। वो वहां पर पान को मुंह में डालता था, उसे चबाता था, फिर पान में से जो रस निकलता था उससे उसके कानों के पीछे चुनमुनी ना मचने लगे, दिल की धड़कन तेज ना हो जाए, माथे पर पसीने की बूंदें ना निकल आए, और सिगरेट सुलगाकर मुंह से लगाई गई कश से धुआं अंदर जाके बाहर ना आए, तब तक फिल्म देखने का मजा कहाँ आता था चंद्रन को। ये इसके शहर में शायद एक ही सिनेमा हॉल था,
जिसमें लंबे से हॉल की छत पर लोहे की पत्थर ढकी हुई थी। छोटा सा टिकट घर था, हॉल में काफ़ी अंधेरा था। दरवाजे पर खड़ा आदमी टिकट लेकर अंदर जाने के लिए पर्दा खोलता था। रामू और चंद्रन अंदर दाखिल हुए। झांका फिल्म की हल्की रोशनी में देखने की कोशिश कर रहे थे कि सीटें कहाँ पर खाली हैं। काफ़ी दूर एक लाइन में सीटें दो खाली थी। फिर क्या था, ये दोनों लोगों के घुटनों से टक्कर खाते खाते आगे बढ़ने लगे। तभी एक आवाज आई, भाई गर्दन नीचे कर ले, क्योंकि हॉल के पर्दे पर पीछे लाइट से दो खोपड़ियां चलती हुई दिखाई दे रही थी लोगों को। इसके बाद बैठे दोनों, हाँ बैठे बैठे जब ये फिल्म देखने लगे तो रामू ने कुछ नोटिस किया। फिर चंद्रन को बोला, भाई देख 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 देख, प्रोफेसर ब्राउन किसी लड़की के साथ बैठा है। लेकिन चंद्रन का ध्यान तो फिल्मों में था। बोला, बीवी होगी उसकी। अरे नहीं, कोई और है। होगी कोई और, छोड़ना, वैसे गोरे आदमी जिंदगी का मजा लेते हैं, हम लोग ये बस जब बातें बनाते हैं। फिर कुछ देर बाद फिल्म जब खत्म हो गई, लाइटें जल उठी, लोग ऊँगते हुए आंखें मलते हुए अंगड़ाइयाँ लेते हुए उठे और गिरते पड़ते बाहर की तरफ निकलने लगे। वहाँ खड़ी दो तीन कारें जो थी टी टी करती हुई हॉर्न बजाते हुए बाहर निकली और ये दोनों साइड हो गए। ये बोला, किस्मत वाले हैं साले, 5 मिनट में घर जाकर सो जाएंगे, देख लेना, मैं जब नौकरी करूँगा सबसे पहले कार ही खरीदूँगा। ऐसे ही बातें करते करते दोनों घर पहुँच गए। रामू बोला, गुड नाइट, कल मिलते हैं। चंद्रन ने घर जाते ही सबसे पहले छोटे भाई से दरवाज़ा खुलवाया, कोट उतारा, कुर्सी पर लटकाया, फर्श पर गोलमोल पड़े बिस्तर को लात मारकर खोल दिया और पूरी तरह से फैलने से पहले उस पर लेटकर आंखें बंद कर ली। तो ऐसे ही चल रही थी चंद्रन की कॉलेज लाइफ। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ऐसे ही निकल गए। चंद्रन सुबह उठता, थोड़ा पढ़ता, कॉलेज जाके क्लास लेता, शाम को सरयू नदी के किनारे बैठता, 8:30 बजे घर लौटता, उसके बाद खाना खाता, इधर उधर की बातें करता फैमिली वालों से और सो जाता। किताबें मेज पर पड़ी रहती, कॉलेज के नोट्स सही हैं या गलत हैं या पूरे हैं, ये बात उसे परेशान नहीं करती थी। ऐसे दिन गुजरते गए और एक दिन वो भी आ गया, नवंबर का महीना जब शुरू होना था। एक स्टूडेंट के लिए नवंबर का महीना ये याद दिलाने के लिए होता है कि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, आधा साल खत्म हो गया है, अब पढ़ने का कष्ट कर ले। 1 नवंबर को चंद्रन सुबह 5 बजे उठा, ठंडे पानी से नहाया, जाकर पढ़ने की मेज पर बैठ गया और 3-4 डिसीजंस लिए, जिसमें से एक ये भी था कि सिगरेट नहीं पिएगा, कभी भी नहीं पिएगा। सिगरेट पीने से दिल गंदा होता है, खराब होता है, और दिल खराब नहीं करना, मुझे एग्जाम्स देना है। फिर क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब कब पढ़ना है, सबकी लिस्ट बनाई, कितने दिन रह गए एग्जाम में ये लिस्ट बनाई, एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटिकल थियोरीज, ग्रीक ड्रामा, शेक्सपियर, और आखिर ये सब करने के लिए उसने एक मुश्किल सा टाइम टेबल तैयार कर लिया और लिटरेचर को शाम को पढ़ने का फैसला किया। लेकिन फिर आधे ही घंटे में वो बुरी तरह कंफ्यूज हो गया। घर में सारे जाग चुके थे, पिताजी भी आकर बोले, आज बड़ी जल्दी जाग गए। हाँ पिताजी, वो 18 मार्च से एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं ना, इसलिए आपको पता है कितने दिन बचे हैं मेरे एग्ज़ाम्स। पिताजी ने फटाफट हिसाब लगाते हुए बोला, लगभग 138 दिन। नहीं नहीं, अरे फरवरी का महीना 28 का होता है, अगर लीप ईयर ना हुआ तो। क्या पता भाई, तुम जानो। फिर पिताजी ने मेज पर पड़े एक कागज को देखते हुए बोला, ये क्या, रेलवे का टाइम टेबल यहाँ क्या कर रहा है? अरे रेलवे का नहीं है पिताजी, मेरा है। तुम्हारा? तुम इसे फॉलो कैसे करोगे? कर लूँगा। ठीक है भाई, तुम जानो। लेकिन बेटा, अगर मार्केट जाओ तार की एक जाली जरूर लेकर आना, कोई चोर है 2-4 दिनों से चुपचाप फूल तोड़ कर ले जाता है, मैं उसको पकड़ना चाहता हूँ या फिर कम से कम अपने फूलों को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। लेकिन पिताजी, उससे तो मकान पूरा लुक बिगड़ जाएगा ना मकान का, तो क्या करूँ बेटा, तुम बताओ। सुबह सुबह आकर कोई मक्कार फूल तोड़ के चला जाता है। इसके बाद पिताजी चले गए अपने गार्डन में। फिर माँ ने आकर यही बात कही, पूजा के लिए 4 फूल तक नहीं मिलते इस घर में। अब माँ भी इसी की तरह कुछ ख्याल रखती थी कि घर का लुक खराब हो जाएगा, जाली मत लगाओ। तुम्हारे पिताजी हर महीने गार्डन के पीछे 25 रुपये खर्च करते हैं और माली को 10 रुपये लग देते हैं। इतने पैसे खर्च करने के बाद भी रोज़ सवेरे भगवान की पूजा के लिए अगर फूल ना मिले तो ये सब बेकार है। ऐसे में चंद्रन को एक आइडिया आया। उसने अपनी माँ से बोला, माँ एक आइडिया है, मैं पिताजी से बोलता हूँ कि घर के चारों तरफ खाई खुदवा लो, उसमें पानी भरवा दो और उसमें क्या बड़े बड़े मगरमच्छ छोड़ देते हैं, फूल बच जाएंगे। फिर माँ बोली, आइडिया अच्छा है, सोचते हैं। इसके बाद दोपहर को कॉलेज से चौक पार करते हुए चंद्रन को हिस्ट्री के प्रोफेसर मिल गए, राघवाचार। ये बस सर हिलाकर चुपचाप नमस्ते करके वहाँ से निकलना चाह रहा था कि पीछे से आवाज आई, चंद्रन। जी सर। ये घबराया हुआ, आज तुम्हारा आखिरी पीरियड कब खत्म होगा बेटा? 4:30 बजे सर। ठीक है, तो फिर इसके बाद मेरे कमरे पर आकर मुझसे मिलना। इसके बाद चंद्रन पूरे कॉलेज टाइम में सोचता रहा कि सर ने मुझे क्यों बुलवाया होगा, कोई बात तो है जो इन्हें मेरी पसंद नहीं आए। टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आए, नहीं मुझसे ख़राब तो रामू के आए, नहीं कोई और बात है। फिर लिटरेचर की क्लास शुरू हुई,
लिटरेचर का प्रोफेसर था असिस्टेंट प्रोफेसर गणपति, दुबला पतला आदमी, जरा सी मूछें, आंखों पर मोटा सा चश्मा जिसे कोई पसंद नहीं करता था और हर जगह बस एक ही बात करता था, इस दुनिया में 10 ऐसे लोग भी नहीं है जो शेक्सपियर की लैंग्वेज को ढंग से समझ सके और इंडियंस उन्होंने तो सीख ली इंग्लिश। आज तक इस आदमी ने 40% से ज्यादा किसी स्टूडेंट को नंबर नहीं दिए। ये अपनी फुदकती चाल से क्लास में एंटर हुआ, कूद कर बोर्ड के पास वाले मंच पर चढ़ा और थेलो पढ़ाना शुरू किया। क्लास जैसे ही खत्म हुई चंद्रन राघवाचार के कमरे पर पहुंचा। राघवाचार प्रोफेसर के कमरे पर पहुंचा, अंदर जाने में इसको डर लग रहा था। अंदर जाते ही देखा तो सर एक मोटी सी किताब में आंखें गड़ाए बैठे थे। इसको डर सा लगा लेकिन फिर इसने इमेजिन किया कि आदमी कोट पैंट में है, चश्मे में है, तो मुझे इतना खतरनाक लग रहा है। अगर यही आदमी लुंगी में होता तो नहीं लगता। ऐसे इमेजिन करते करते ये अंदर घुसकर बोला, गुड इवनिंग सर। सर ने अपनी आंखें बहुत ही अंदर तक किताब में गड़ा रखी थी। वो बाहर आया अपनी किताबी दुनिया से। कौन? सर आपने 4:30 बजे बुलाया था। वो बड़ा नर्वस था ये बोलते हुए। हाँ बैठो। वो डरा हुआ था कि क्या होने वाला है। देखो भाई चंद्रन, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया यहाँ पर कि मैं कॉलेज में एक हिस्टोरिकल एसोसिएशन शुरू करने के बारे में सोच रहा हूँ, तुम्हारी सलाह जानना चाहता हूँ। बच गया। ये सुनकर चंद्रन को हल्का बनसा महसूस हुआ। सर ये तो बहुत अच्छा प्लान है। तो बेटा मैं चाहता हूँ कि 15 तारीख को तुम इस एसोसिएशन की एक इनोग्रेशन मीटिंग का बंदोबस्त करो। ठीक है सर। लेकिन सर बोले कि तुम्हें सेक्रेटरी बनाएंगे। जो ये बनना नहीं चाहता था बहाने मार रहा था। सर बोले कि हिस्ट्री सब्जेक्ट को लेकर पता नहीं लोग क्या क्या गलत बातें फैलाते हैं, इसलिए हम इस एसोसिएशन को बना रहे हैं, लोगों को हिस्ट्री के बारे में पता चले। इसके बाद चंद्रन उठा, बड़ी जल्दी है तुम्हें जाने की? नहीं सर, वो जाना है तो जाओ लेकिन कुछ बातें और करनी थी। जी सर। कुछ बातें और करनी थी? जी सर। तो करनी है बातें? जी सर। अरे बार बार ये जी सर बोलना बंद करो पहले तो। दरअसल ये सेक्रेटरी इसलिए नहीं बनना चाहता क्योंकि ये बनने के बाद में इसके दिमाग में सिर्फ मीटिंग मीटिंग चलती रहेगी, ये मीटिंग नोटेशन की तरह हो जाएगा ये। उसे ये सेक्रेटरी बनना अच्छा नहीं लगता था। वो गया रीडिंग रूम में रामू को ढूंढता हुआ, वहाँ वो नहीं मिला। चेस खेलने वाले रूम में गया, वहाँ भी नहीं मिला। पिंग पोंग रूम में गया, वहाँ भी नहीं था। बड़ा दुख हुआ इसे, फिर ये नदी की तरफ बढ़ा। कॉलेज से एकदम जुड़ी हुई थी वो नदी, रेत पर टहलने लगा जहाँ पर बहुत सारे लोग टहल रहे थे। चंद्रन को अपना शाम का वक्त यहीं बिताना बहुत अच्छा लगता था। ये लड़कियों को घूरता था, बच्चों में इंटरेस्ट लेने का नाटक करता था, दोस्तों के साथ गला फाड़ फाड़ के हंसता था, 2-3 चक्कर लगाता था, सिगरेटें फूंकता था। लेकिन आज उसका दिमाग ठस था क्योंकि रामू गायब था। चंद्रन को बोरियत सी हो रही थी, वो घर की तरफ चल दिया। घर जाकर पता चला तो रामू तो घर पर ही था। तो इसे उस पर गुस्सा आया। उसने बोला, भाई इतना गुस्सा क्यों कर रहा है, सब्र नहीं है तुझमें? तो बोले, तुझमें कौन सा है। फिर इन दोनों में 2 घंटे तक बातें होने लगी। ये घर पहुंचा, पिताजी बोले, 9 बज रहे हैं, तुम्हारी वो पढ़ाई का प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ अभी तक। बुरा लगा ये सुनकर। सुबह ही इसने प्रोग्राम बनाया था और अभी उसे बहुत बुरा लग रहा था कि नवंबर का पहला दिन ऐसे ही बर्बाद हो गया। फालतू की जिम्मेदारी इसके सर पर आ गई। आखिर कौन था जो इसकी हेल्प कर सकता था ये सेक्रेटरी के मामले में? नटेशन। सीधी सी बात है, ये उसके कमरे की तरफ चल पड़ा। वही एक था जो ये बता सकता है कि क्या करूं। आज से पहले कभी भी नटेशन से मिलने में इसको डर लगता था कि कोई ना कोई जिम्मेदारी पकड़ा देगा, लेकिन आज ये खुद उससे मिलने जा रहा था उसके कमरे पर। वो कमरे पर ही मिल गया। पतला सा कमरा था जिसमें एक खिड़की बाहर कबीर स्ट्रीट की तरफ झांकती थी। आधे हिस्से में खाट पड़ी, कुछ हिस्से में टेबल। नटेशन गोल से बिस्तर पर पीठ टिकाए पड़ रहा था। बोला, अच्छा तो तू भी बन गया सेक्रेटरी? भाई देख, एक लंबा सा भाषण होता है, चेयरमैन भाषण देने वाले को थैंक यू बोलता है, सेक्रेटरी भाषण देने वाले को और चेयरमैन दोनों को थैंक यू बोलता है। इसके बाद लोग घर चले जाते हैं। चाय शाय कुछ, मतलब चाय भाई भी पीते होंगे ना? भाई चाय भाई का क्या है, चाय भाई के पैसे तू देगा क्या? चाय शाय नहीं होती यहाँ पर। लेकिन ये मीटिंग के पहले मेहनत बहुत हो जाती है सेक्रेटरी की। आज इसे पता चल गया कि ये सेक्रेटरी लोग जो होते हैं ये भी बहुत काम करते हैं। इनके लिए इज्जत बढ़ गई, इज्जत करनी पड़ेगी इन लोगों की। ये लोगों को बदले में कुछ नहीं मिलता, बस गालियाँ मिलती अगर काम ठीक से नहीं हुआ। अब मीटिंग होने वाली थी 15 नवंबर को। जैसे तैसे इसने प्रिंसिपल प्रोफेसर ब्राउन के पास जाकर उनको मीटिंग में भाषण देने के लिए राजी कर लिया। और मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे राघवाचार सर और ये रहेगा सेक्रेटरी। और 15 नवंबर के दिन के लिए इसने काफ़ी मेहनत की। उस दिन ये बहुत बिजी था। सुबह का इसने बहुत सारा टाइम शाम की मीटिंग की तैयारी में गुजारा। सबको इसने बोल दिया कि आना है मीटिंग में, आना है मीटिंग में। उसके बाद इतनी मेहनत करने के बाद 15 तारीख की शाम को लोगों का मीटिंग में आना शुरू हुआ। आते आते इतने लोग भर गए मीटिंग में
कि बैठने की जगह नहीं थी, लोग खड़े खड़े मीटिंग सुनने लगे। उसने हिस्टोरिकल एसोसिएशन की पूरी रंगत ही बदल दी थी। मंच को लाल कपड़े से सजाया था, फिर उसके ऊपर टेबल के ऊपर हरा कपड़ा सजा दिया, सभी सुनने वालों का स्वागत किया, भीड़ बढ़ती गई और बहुत ही बढ़ गई। मीटिंग में सबसे पहले राघवाचार्य सर आए, बोले दो ही शब्द बोलूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, और 40-45 मिनट खा गए। फिर आए प्रोफेसर ब्राउन। उनके आते ही तो पूरा हॉल तालियों से गड़गड़ा उठा। प्रोफेसर ब्राउन, उन्होंने चारों तरफ देखा, दायां हाथ उनका पेंट की जेब में था, बायां हाथ से कनपटी को सहलाया और बोलना शुरू किया। जो ये आदमी बोलने लगा तो सुनने वाले प्रोफेसर ब्राउन के बोले हुए एक एक शब्द का मजा लेते गए, क्योंकि वो बोलते ही ऐसा थे। कोई काम की बात तो होती नहीं थी, लेकिन मजाल है कि एक भी आदमी उबासी ले जाए, जैसे कोई मदारी बंदर का खेल दिखा रहा हो। बोले अगर हिस्ट्री पढ़नी है तो कॉलेज की बात भी पढ़ सकते हो, हिस्ट्री कोई भेदभाव नहीं करती, कैसे भी पढ़ लो, आगे से पीछे, पीछे से ऊपर, ऊपर से नीचे। लोग बड़ा इंटरेस्ट ले रहे थे, लेकिन राघवाचार्य सर मन ही मन भुन रहे थे कि ये दुष्ट क्यों हिस्ट्री की ऐसी की तैसी कर रहा है। अगर प्रोफेसर ब्राउन की जगह कोई और होता ना, राघवाचार्य सर इस भाषण की धज्जियां उधेड़ कर चारों डायरेक्शन में उड़ा देते, जुबान खींच लेते, काट डालते। वो तो प्रोफेसर ब्राउन ठहरे जो हिस्ट्री की इतनी बेइज्जती बच कर गए। तो इस मीटिंग के बाद में, इस मीटिंग के चक्कर में चंद्रन के 15 दिन बर्बाद हो चुके थे। फिर वो वापस हिसाब लगाने लगा कि अब क्या करना पड़ेगा, 5 बजे की जगह 4 बजे उठना पड़ेगा, क्या क्या करना है। तो पिताजी बोले, ओह चलो आखिरकार। ये चीज़ सुनकर उसे अच्छा नहीं लगा कि जब देखो चिढ़ाते रहते हैं यार। वो बोले, बेटा अगर सुबह 4 बजे उठो तो मुझे भी उठा देना, क्योंकि मुझे वो फूल तोड़ने वाले चोर को पकड़ना है। पर माँ की आवाज़ आई अंदर से, तो आखिरकार तुमने फैसला कर ही लिया। तो पिताजी बोले, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो कह रहा था कि तारों की जाली लगा लो, लेकिन तुम्हारा नक्शा बिगड़ता है घर का, तो आप चाहते हो कि चोर आपकी जाली भी चोरी करके ले जाए। इस बात से पिताजी फूट पड़े, उनके अंदर मिडाइवल हिस्ट्री का सिपाही जाग गया और उन्होंने कसम खा ली कि डार्लिंग सुबह होते ही चोर को देखना, जिंदा या मुर्दा तुम्हारे पैरों में डाल दूंगा। और अगले दिन सुबह पिताजी और चंद्रन का छोटा भाई सीनू डंडा हाथ में लेकर शिकारी बन गए। उनके पीछे पीछे सीनू था, बोले बेटा बत्ती बुझा दे, कमरे में रोशनी देखकर चोर आएगा नहीं, चंद्रन को बोले। उस दिन सुबह चोर इनको मिला नहीं, अगले दिन सुबह जल्दी उठे, 10 मिनट कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद एक हल्की सी आवाज़ हुई, पिताजी झाड़ी के पास छुपे हुए थे, चंद्रन दीवार से सटा हुआ था। तभी एक आदमी फाटक से लगी हुई दीवार पर हाँफते हुए चढ़ा और गार्डन में कूदा। वो कूदा, 4-6 फूल तोड़े ही थे कि ये बाप बेटे उस पर टूट पड़े। चोर को खींच कर घर में लेकर आए, नीचे दबाया और चिल्लाकर माँ को आवाज़ दी। लाइट जली, देखा तो चोर एक अधेड़ आदमी निकला, नंगे बदन था, जटाओं जैसे बाल, गेरुआ कलर की लुंगी पहने हुए था, मतलब वो चोर एक सन्यासी था। सबका रिएक्शन कुछ ऐसा था कि सारे दंग रह गए कि एक सन्यासी अब तक हमारे फूल तोड़ रहा था। तो चोर को उन सब ने दबोच लिया, लेकिन चंद्रन की माँ ने जब देखा कि चोर एक सन्यासी है तो वो डर गई, बोली इनको छोड़ दो, इनको जाने दो, कहीं इन्होंने हमको शाप दे दिया तो, महाराज आप जा सकते हैं। तो चंद्रन बोला, वाह माँ, तुम हर लाल कपड़े वाले से डर जाती हो, सन्यासी होता तो चोरी थोड़ी करता। सन्यासी बोला, क्या किया मैंने, ये फूल भगवान की देन है, इस पर किसी का नाम तो नहीं लिखा, तो पूछ कर लेना था ना, अब आप सब सोए रहते हैं सुबह सुबह, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता, मेरी पूजा सुबह सूरज निकलने से पहले होती है, इसलिए सुबह यहाँ से चोरी करके लेके जाता हूँ। अरे अरे महाराज, ये तो बच्चा है, ऐसे माफ़ कर दीजिए, जितने फूल चाहिए आप ले जाइए, एक सच्ची पूजा करने वाले को फूल मिले, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। चंद्रन की माँ ने सन्यासी से ऐसा कहा और सन्यासी वहाँ से चला गया। और चंद्रन के पिताजी ने कहा चंद्रन को कि चाबी ले जा, दरवाज़ा खोल दे, कैसे जाएंगे बाहर, कैसे जाएंगे। चंद्रन बोला, कूद के आए थे, कूद के जाएंगे। अब नवंबर से मार्च तक चंद्रन बहुत ही बिजी रहने लगा। सुबह 4 बजे वो उठता और रात को 11 बजे बिस्तर पर लौटता। मार्च शुरू होने से पहले पहले उसने पढ़ाई ढंग से कर ली थी, फिर भी अभी भी कुछ टॉपिक थे लिटरेचर में, हिस्ट्री में, जिनको लेकर अभी तक इसके दिमाग में कन्फ्यूज़न बनी हुई थी। ये नंबरों का हिसाब लगाने लगा कि इसके, इसके और इसके काट लिए जाएं तभी भी 70 नंबर अपने पास बचेंगे, कहीं नहीं जा रहे हैं, फिर भी 50 नंबर मान के चलते राउंड फिगर, फिर भी एक बार के लिए फेल होने से तो हम बच जाएंगे। इस बीच इसने कुछ मीटिंग्स भी अरेंज करवाई और मीटिंग्स में इसके कुछ दो अच्छे दोस्त भी बने। सबसे पहले तो एक रेवोल्यूशनरी दोस्त बना, वीर स्वामी। वीर स्वामी एक काला तगड़ा सा 22 साल का आदमी था,
जिसने मीटिंग में सबके सामने ब्रिटिशर्स की खिंचाई कर दी एक स्पीच के जरिए। प्रिंसिपल साहब मिस्टर ब्राउन को ये बात अच्छी लगी, बोले क्या है ये, क्या कर रखा है ये, तुमको अंग्रेज़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आगे से तुम लोगों की कोई भी मीटिंग होगी उसमें स्पीच का पेपर मैं पहले पढ़ूंगा। इसका मतलब सीधा सीधा ये था कि अगली बार चंद्रन ने सेक्रेटरी है वो, क्योंकि उसने ऐसा कुछ किया, उसकी तरफ से ऐसा कुछ हुआ, तो वो ग्रेजुएशन से हाथ धो बैठेगा। वीर स्वामी के पास जाकर बोला, यार तेरी स्पीच ने ऐसा ऐसा कर दिया। वीर स्वामी बोला, चंद्रन तू कायर है, ऐसे ब्रिटिशर्स से डरता है तू? और चंद्रन उसे जहां भी मिलता उसे वो सुनाने लगता है, रीडिंग रूम में, पिंग पोंग रूम में। तो इससे एक इसकी दोस्ती हुई थी। दूसरा आदमी था पॉइट मोहन, मोहन नाम का पॉइट, वो इतना परेशान नहीं करता था। एक दिन वो चंद्रन के पास यूनियन के रेस्टोरेंट में आया, कॉफ़ी पी रहा था। मोहन उसके पास आकर बोला, यार कोई पोइट्री के लिए भी एसोसिएशन बनाओ ना, या फिर तुम्हारी एसोसिएशन में मुझे कुछ पोइट्री वगैरह बोलने दो। अब चंद्रन के मन में पॉइट्स के लिए बड़ी इज्जत थी, उसने उसे बैठाया पॉइट मोहन को, उसके लिए कॉफ़ी मंगवाई। कौन सी लैंग्वेज में लिखते हो तुम? वो बोला इंग्लिश में। तो जाके लिटरेरी एसोसिएशन में पढ़ो तुम्हारी पोइट्री, किसने मना किया? तो मोहन बोला, तुमको लगता है प्रिंसिपल ब्राउन के रहते हुए मैं वहाँ पर पोइट्री पढ़ सकता हूँ? वहाँ पर वर्ड्सवर्थ को पढ़ा जाता है, कीट्स को पढ़ा जाता है बस, या फिर 18 सेंचुरी में जो नकल करके लिटरेचर लिखा गया उसको पढ़ा जाता है? यार सच बताऊँ तो मैं खुद चाहता हूँ कि तुम्हारी पोइट्री पढ़ी जाए, चंद्रन बोला। लेकिन कैसे, समझ में नहीं आ रहा। हमारे यहाँ पर अगर तुमने हिस्ट्री में लिखी हो तो हम पढ़ सकते हैं, राघवाचार्य सर तो कभी मानेंगे नहीं, वो नहीं चाहेंगे कि पोइट्स आकर उनका माहौल ख़राब करें नाच गाना करके। लेकिन चंद्रन की मोहन से दोस्ती हो गई थी, फ्री टाइम में वो उसकी पोइट्री सुनता था, बहुत पोइट्री सुनता था। बोले, यार तू लिखता बहुत अच्छा है, तू न्यूज़पेपर में छपवा। अरे कोई नहीं छापता, न जाने कहाँ कहाँ गया हूँ, बहुत खर्चा हो गया मेरा, अमेरिका गया हूँ, कनाडा गया हूँ, साउथ अफ्रीका गया हूँ, ऑस्ट्रेलिया गया हूँ, और अपने देश में भी छपाने की कोशिश की है, लेकिन एक ना एक दिन समझदार छापने वाला मिलेगा मुझे, पब्लिशर, जो छपवाएगा मेरी पोइट्री को। तो चंद्रन बोला, चिंता मत कर दोस्त, तू बहुत जल्दी फेमस होने वाला। इसके बाद चंद्रन ने मार्च के महीने में कॉलेज ख़त्म कर लिया। अब एग्ज़ाम के टाइम पर उसका कुछ पाउंड वेट कम भी हो गया था, और एंड में जब उसका कॉलेज ख़त्म हो रहा था वो थोड़ा इमोशनल भी हो गया, क्योंकि पिछले 4 साल इसने इसी कॉलेज में गुजारे थे और अब इसे छोड़ना होगा। 15 दिन बाद यहीं पर वो एग्ज़ाम्स देने आएगा, फिर इसे छोड़कर दुनिया में कदम रखेगा, फिर ये यहाँ पर कभी लौट कर नहीं आएगा। वो बहुत इमोशनल हो गया। अब ये कहानी जंप करके कुछ महीनों आगे जाती है। चंद्रन अब ग्रेजुएट हो गया है, 6 महीने हो गए ग्रेजुएट हुए इसको। रिश्तेदारों ने फ्री का ज्ञान देना शुरू कर दिया कि क्या करना है, कैसे करना है। ये कहीं भी जाता लोगों के मुंह पर बस एक ही सवाल रहता, क्यों भाई आगे का क्या सोचा है, लॉ पढ़ने मद्रास चला जा, रेलवे की तैयारी करने के लिए बेंगलोर चला जा, यहाँ चला जा वहाँ चला जा। जबकि रिश्तेदार औरतें बोलती थी IAS कर ले। शुरू शुरू में तो चंद्रन को बहुत अच्छा लगता था कि लोग उसके बारे में कितना सोचते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये फ्री की सलाह बहुत इरिटेटिंग सी लगने लगी। आखिर उसने ये फ्री की सलाह देने वालों के लिए अपने फादर से कहा कि लोगों को ये काम नहीं है क्या? तो इसके फादर बोले, बेटा ये तो रीत है, मेरे साथ भी हुआ था, तेरे साथ भी होगा, आने वाले तेरे बच्चों के साथ भी होगा, हर किसी को फ्री के सलाहकार तो मिलते ही रहते हैं। तो वो बोला, मैंने सोच लिया पिताजी, अब कोई भी मुझसे पूछेगा तो मैं कहूँगा मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। वहाँ इसके दोस्त रामू की भी ग्रेजुएशन हो चुकी थी। ग्रेजुएशन के तुरंत बाद जैसे रिजल्ट आया कुछ दिनों में वो निकल गया पूना में लॉ पढ़ने के लिए, जबकि चंद्रन ने यहाँ पर किसी लाइब्रेरी में मेंबरशिप ले ली। यहाँ पर बैठे बैठे वो ढेर सारे किस्से कहानियाँ पढ़ता था, और लाइब्रेरी में बैठे बैठे न जाने इसने कैसा कैसा लिटरेचर पढ़ डाला। और इसे एहसास हुआ कि सिर्फ शेक्सपियर ही लिटरेचर नहीं है, शेक्सपियर के आगे भी बहुत लिटरेचर है, बहुत कमाल कमाल की पोइट्री लिखी गई है। दिन में लिटरेचर पढ़ता, शाम को टहलने निकल जाता बिल्कुल अकेला, क्योंकि इसके सारे दोस्त तो कहीं ना कहीं बाहर चले गए थे, ये यहीं पर था। देर तक नदी के किनारे टहलने के बाद रात को देर से घर आता। जल्दी ही उसे शांति भरा जीवन पसंद आने लगा और रोज कोई नई चीज़ पढ़ता था। फिर एक दिन नदी के किनारे घूमते घूमते उसने एक लड़की को देखा। उस शाम वो नदी के किनारे घूम रहा था, उसे लगभग 15 साल की एक लड़की दिखाई दी जो अपनी छोटी बहन के साथ रेत पर खेल रही थी। यूं तो उसने बहुत सारी लड़कियों को यहाँ इसी जगह पर टहलते हुए देखा था, लेकिन इस लड़की में कुछ ऐसा खास इसको दिखाई दिया जिसमें इसका जबरदस्त इंटरेस्ट पैदा हो गया। जिस सदा से वो बैठी थी, जिस तरह वो बच्ची के साथ खेल रही थी, जिस तरह से रेत को अपने हाथ में पकड़कर ऊपर उठाती और नीचे छोड़ देती, एक पल के लिए ही इसने उस लड़की को देखा होगा, लेकिन उसे लगा कि सारी जिंदगी वो इस सीन को देखते हुए गुजार दे। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वहां पर और भी बहुत सारे लोग थे। वो आगे बढ़ गया, जब वापस आया तो उसने देखा कि वहां पर कोई भी नहीं था, वो लड़की जा चुकी थी।
उसने सोचा इसकी उम्र क्या होगी, 14 साल, 14 से ज़्यादा हुई तो मैरिड होगी। तरह तरह की बातें उसके दिमाग में आने लगी कि इसकी जाति क्या होगी, इसका नाम क्या होगा। रात भर उसे नींद नहीं आई, किताबें अब उसे बोरिंग लगने लगी थी। जिन किताबों को पढ़कर अभी तक इसे बहुत मज़ा आ रहा था वही किताबें बोरिंग लगने लगी थी। फिर उन्हीं किताबों को बंद करके ये सोचने लगा कि अगर ये दूसरी जाति की हुई तो। फिर ये बोलने लगा भारत को अगर प्रोग्रेस करनी है तो ये जात पात से ऊपर उठना पड़ेगा। उसने तय किया कि लड़की चाहे जिस भी जात की हो ये उससे शादी करके रहेगा, मिसाल कायम करेगा। अगले दिन बढ़िया से शेव करके कंघी से बाल बना बना के शाम को चॉकलेटी रंग का कोट पहनकर 5 बजे रेत के पास पहुंच गया जहां पर कल उसे वो लड़की दिखी थी। 2 घंटे तक वो इंतज़ार करता रहा लेकिन वो नहीं आई। नदी की तरफ साड़ी पहने किसी भी लड़की को आते जाते देखता दिल की धड़कन इसकी तेज़ हो जाती। लेकिन आखिर पूरे दिन इंतज़ार करने के बावजूद वो लड़की नहीं आई तो इसका दिल डूब गया। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। रात भर ये बिस्तर पर छटपटाता रहा, उसके मुंह से बस एक ही चीज़ निकलती, लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी। मैं आपको बता दूं ये लक्ष्मी नाम इसने खुद ही उस लड़की को दे दिया था। और आखिर बहुत देर छटपटाने के बाद रात को 2 बजे 3 बजे के आसपास इसने समझ ही लिया था कि लक्ष्मी अब कभी नहीं आएगी। क्या वो पागल की तरह कर रहा था, एक पल के लिए लड़की आई और ये पागल हो गया। सुबह उठा तो इसका चेहरा बिल्कुल उजड़ा हुआ। माँ ने पूछा तबीयत तो ठीक है ना, बोला हाँ सिर में थोड़ा सा दर्द है बस। इधर आ देखा, तू ऐसा कर आज घर में ही आराम कर। दिन भर वो अपने कमरे में बना रहा। कुछ देर पिताजी से बात हुई, पिताजी से पूछने लगा कि कहाँ जाऊँ, मद्रास जाऊँ कि बेंगलोर जाऊँ, कहीं बाहर जाना है। मद्रास में गर्मी है, बेंगलोर में चाची है, शो ऑफ की दुकान, तो कहीं नहीं जाना, अपने घर में ही बने रहते। दिन भर घर में खटिया में पड़े रहने के बाद छोटा भाई सीनू आकर बोला, क्या हुआ भाई तबीयत ठीक नहीं है क्या, छोड़ना। तू ये बता तेरे स्कूल में क्या हुआ आज। फिर इसके बाद उसने स्कूल की बात बताई। आखिर बिस्तर पर पड़े रहना इससे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसने अपना कोट पहना और घूमने बाहर निकल गया। लेकिन ये नदी किनारे नहीं गया बल्कि ट्रंक रोड पर गया, वहाँ पर टहलता रहा 1 मील तक। फिर इसके बाद लाली स्टेशन गया, फिर मार्केट रोड से नॉर्थ स्ट्रीट से होता हुआ सीधा नदी किनारे पहुँचा। अंधेरा बहुत हो चुका था और सारे लोग घर जा चुके थे। और उस शाम नदी के किनारे इसे फिर से वो दिखाई पड़ी, हरी साड़ी पहने अपनी बहन के साथ खेल रही। चंद्रन ने उसे दूर से देखा और उसकी तरफ खींचा चला जाने लगा। दूसरे दिन चंद्रन ने जब उस लड़की को देखा तो उसकी तरफ खींचा चला जाने लगा, लेकिन उसके पास पहुंचते ही इसकी हिम्मत जवाब दे गई। एकदम से वो मुड़कर पीछे लौटने लगा, लेकिन फिर वापस सोचने लगा कि आज इतना अच्छा मौका है शक्ल दिखाने का, इसको खो दिया तो न जाने कब वापस ये मौका आएगा। वापस जाने की कोशिश की लेकिन उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी और वो ऐसे ही बच्चों वाली हरकतें करने लगा कि क्या उसने मेरा चॉकलेटी कलर का कोट देखा होगा या नहीं, और सोचने लगा कि आज अच्छा मौका है, अगले लाखों सालों में ये मौका आया ना आए। ऐसा सब सोच ही रहा था कि पीठ पर इसके किसी ने हाथ मारा। उलट कर देखा तो वीर स्वामी और पॉइंट मोहन दोनों खड़े थे। कैसे हो चंद्रन, सालों बाद मिले। अरे भाई लोग पिछले मार्च में ही तो मिले थे, 1 साल भी नहीं गुजरा। साफ दिख रहा था कि चंद्रन को उन दोनों का इस टाइम मिलना अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। चंद्रन की बाह में हाथ डालकर बोले, चलो चंद्रन रेस्टोरेंट में बैठकर कॉफ़ी पियेंगे। अरे भाइयों आज नहीं, आज किसी से मिलने जाना है, लेकिन वो ज़बरदस्ती करने लगे। और बता क्या कर रहा है आजकल। अभी तो कुछ नहीं कर रहा, कुछ महीनों बाद इंग्लैंड जाने की सोच रहा हूँ। ये सुनते वीर स्वामी आग बबूला हो गया, भाई तू क्या सीखेगा इंग्लैंड में जो हमारे देश में नहीं सीख सकता, पता नहीं कब ये आग खत्म होगी तुम्हारी इंग्लैंड जाने की। तुम सब बेवकूफ़ हो सारे के सारे, मैंने बताया था वीर स्वामी के बारे में आपको, ब्रिटिशर से नफरत करता है ये। इसके बाद ये वेलकम रेस्टोरेंट में गए। वेलकम रेस्टोरेंट एक छोटी सी धुएं भरी बिल्डिंग थी जिससे मिठाइयों और धीमे तले जाने की खुशबू आ रही थी, चारों तरफ हवा में मिल रही थी। सड़क पर आते जाते लोग भी इसे महसूस कर सकते थे। अंधेरे में हॉल में एक चिटकी हुई मेज पर जाकर ये तीनों बैठे और वेटर लोग कुछ ना कुछ हाथ में पकड़े चारों तरफ दौड़ रहे थे। तभी एक ने आकर पूछा, क्या लेंगे सर आप। तीनों में बहस हुई, फिर उसके बाद बोले, 3 कप कॉफ़ी लाओ, बढ़िया कड़क। फिर चंद्रन ने पूछा, मोहन तुम क्या कर रहे हो, पास हो गए ना। वो बोले, नहीं यार अटक गया, चाचा जी ने मुझे काम दिला दिया है डेल मैसेंजर में। तो चंद्रन बोला, अच्छा पैसा बन जाता होगा। हाँ कभी 50 कभी 10, सब उन पर डिपेंड करता। और वीर स्वामी तुम क्या कर रहे हो। तो वीर स्वामी बोला, भाई मेरा तो पूछ ही मत, मेरा बताऊँगा तो पूरा दिन निकल जाएगा, मैंने एक सेना ज्वाइन कर लिया, तू चाहे तो तू भी कर ले। तो वो बोला, अभी तो मूड नहीं है, बाद में करेंगे।
फिर ये लोग कॉफ़ी पीकर उठे, किनारे पर गए, सिगरेटें सुलगाई, पूरी शाम बातें करने लगे। चंद्रन को इन दोनों के आने से एक चीज़ तो समझ में आ गई थी कि नदी के किनारे उसके दोस्त या जान पहचान वाले उसके इस मकसद को कभी पूरा नहीं करने देंगे, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेंगे। तो थोड़ी हिम्मत दिखानी पड़ेगी और जल्द से जल्द अपना उल्लू सीधा करना पड़ेगा, लोगों की ना सोचकर लड़की से बात करनी पड़ेगी। अगले दिन ये उससे 30 गज दूर जाके बैठ गया लड़की से और तय किया कि आज उसे घूर कर देखेगा, हो सका तो मुस्कुराऊंगा भी और आंख भी मारूंगा। मैं आपको बता दूं, इस चंद्रन की उम्र अभी 22 साल है और ऐसे ही जाकर लड़की से बातें करे, ये 22 साल की उम्र में इस तरह जवान लड़की से बात करे तो लोगों को ये बात हजम नहीं होती। ये टाइम भी बहुत पुराना है, हो सकता है लड़की रिलीजियस है, इसको लग रहा था, तभी फ्राइडे को ये आती जाती नहीं है। शायद इसका कोई भाई नहीं है इसलिए इसे लाने ले जाने नहीं आता, इसकी एक बहन ही है। यही सोचते सोचते इसने एक महीना ऐसे गुजार दिया, बात कोई हुई नहीं। फिर इसे रियलाइज हुआ कि आखिर कब तक ऐसे ही घूरता रहूंगा, जाके बात तो करनी पड़ेगी। एक दिन रात में जब वो घर लौट रही थी, ये उसके पीछे पीछे चल दिया। देखा वो मिल स्ट्रीट के एक घर में घुस गई, इधर उधर देखा, इस सड़क के कई चक्कर उसने लगाए, पर काफी पता करने के बाद में इसको पता चला कि यार ये लड़की का घर यही है क्या। फिर इसको याद आया, अरे अरे मोहन भी तो यही रहता है, मॉडर्न स्ट्रीट लॉज कमरा नंबर 15। ये वहां पर पहुंच गया। मोहन के घर पर फर्श पर एक दरी पड़ी थी, इस पर मोहन बैठता था, सोता था। इसको देखकर मोहन खुश हुआ। काफी देर तक चंद्रन की मोहन से बातें हुई। चंद्रन ने चाहा कि एक बार मोहन से पूछे ये सामने वाले घर में कौन रहता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। बोला, यार मोहन अब तो आना जाना रहेगा तेरे घर पर। तो बोला, हाँ 4 बजे बाद कभी भी आ जा। फिर चंद्रन ने पूछा, क्या कभी पूरा दिन खाली नहीं रहता तू? तो बोला, सैटरडे के दिन पूरा दिन खाली हूँ कभी भी। थैंक यू यार मोहन, मेरा ऐसा कोई दोस्त नहीं, शनिवार शनिवार को तेरे घर पर इधर ही आ जाया करूँगा, मेरा मन भी लगा रहेगा। और मोहन से ही बातें करते करते उसे पता चला कि ये सामने वाली लड़की का नाम लक्ष्मी नहीं है जो ये मानता था अब तक, उसका नाम है मालती और उसकी अभी तक शादी भी नहीं हुई है। वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की ऑफिस में हेड क्लर्क डीवी कृष्ण अय्यर की बेटी है। अरे मतलब चंद्रन की जाति की है, मतलब शादी का रास्ता एकदम साफ है। आहा कितनी अच्छी फीलिंग आ रही है, मतलब अब पिताजी घर से नहीं निकालेंगे। तब ऊपर वाले ने चंद्रन की सुन ली, तो जाके पिताजी से बात करनी पड़ेगी। गया ये पिताजी के पास बात करने के लिए शादी की, लेकिन डर के वापस आ गया, किसी दूसरे टॉपिक पे बात करके वापस आ गया। फिर आकर सोचा, अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ, अरे अपने पापा से कैसा डरना, लल्ला तो नहीं हूँ जो खिलौना मांग रहा हूँ, बड़ा हो गया हूँ, बीवी की रिक्वायरमेंट है, सीरियस बात है, जाके करनी पड़ेगी। फिर गया और पिताजी के अलावा घर पर कोई था भी नहीं, मौका अच्छा था। गया और जाके बोला, पिताजी देखो आप मुझे गलत मत समझना, मैं डीवी कृष्ण अय्यर की बेटी से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही पिताजी ने चश्मा चढ़ा लिया, पूछे कौन है ये? हेड क्लर्क है। तू उसकी बेटी से शादी क्यों करना चाहता है, अच्छी लगती है, तू जानता है उसे? हाँ कई दफ़ा देखा। कहाँ पर? अच्छा बात हुई है तेरी उससे? नहीं, वो तुझे जानती है? पता नहीं। अरे हंस क्या रहे हो बेटा, यही लड़की क्यों, दूसरी लड़की क्यों नहीं? अरे अच्छी लगती है मेरे को। वेल इन दिस केस मुझे तुम्हारी माँ से बात करनी पड़ेगी। बस इतना कहकर पिताजी ने भगा दिया। कुछ देर बाद माँ कमरे में आई, बोली क्या चल रहा है ये? चंद्रन चुप। बेटा दर्जनों लड़की के रिश्ते आए तुम्हारे लिए, तुझे एक क्लर्क की बेटी मिली थी, मैं तो इसी से शादी करूँगा, चंद्रन ने साफ कह दिया। और अगर उस लड़की के घर वाले ना माने तो? माँ ने पूछा। माँ लड़की 16 साल की है, अब उसकी शादी करवानी पड़ेगी उसके घर वालों को, और इसी साल उसकी शादी कर दी जाएगी। हाँ 16 साल, माँ इतना कहकर चीखी। इतनी बड़ी, बेटा मुझे तो लगता है उस लड़की में कुछ ना कुछ कमी है, तुझे क्या शादी बच्चों का खेल लगती है? इतना कहकर माँ वहाँ से चली गई। आखिर माँ बाप तो माँ बाप थे, बेटे को कब तक दुखी देखते। बोले एक शर्त पर हम उस लड़की से तेरा रिश्ते की बात कर सकते हैं, अगर लड़की वाले खुद रिश्ता लेकर यहाँ पर आए तो। भाई हम लड़के वाले हैं, हम क्यों जाएंगे, इज्जत कम होगी, लोग हंसी उड़ाएंगे। आखिर माँ बाप ने अपनी शर्त रख दी। अब ऐसी सिचुएशन में ये चंद्रन को लड़की वाला लड़का वाला समझ में नहीं आ रहा था। एक ही बंदा था जो उसे सपोर्ट कर रहा था, वो था पॉइंट मोहन। अब दिन रात इसी मालती मालती के ख्याल इसको आते थे, मोहन उसे ये सब करते हुए देख रहा था और दोनों सोचते रहते कि ऐसा कौन सा रास्ता निकले जिससे वो लड़की वाले हमारे घर रिश्ता लेकर आ जाए। अब चंद्रन के मन में अपने ही माँ बाप के लिए नफरत पैदा होती जा रही थी, ये कितने ज़िद्दी हैं मेरे माँ बाप। और वाकई इस चंद्रन की माँ बड़ी ज़िद्दी थी, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेगी कि उसका लाल किसी के घर जाकर भीख मांगे लड़की की। तो पिताजी माँ से बोले कि शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको तो शायद पता भी नहीं है कि हमारा चंद्रन उनकी बेटी से शादी भी करना चाहता है,
तुम बड़ा पक्ष ले रहे हो, मैं सब जानती हूँ ये बड़े चालाक लोग हैं, ये चाहते हैं कि बिना दहेज में लड़का मिल जाए इनको। सुनो जी, कह देती हूँ, अगर ये शादी की बात यहां से गई वहां पर तो नदी में डूब के मर जाऊंगी। तो अब बात हो तो कैसे हो भाई, लड़की वालों को तो पता भी नहीं है कि लड़का पागल हुए जा रहा है। अब इसके माँ बाप ने एक पंडित जी को बुलाया, ऐसे मामलों में पंडित जी काम आते हैं, गणपति शास्त्रीगण, उनको बुलवाया, रिश्ते जोड़ने वाले थे। और ज्यादा बकवास ना करते हुए चंद्रन की माँ ने सीधे काम की बात की, पंडित जी क्या आप डीवी कृष्ण अय्यर को जानते हैं? हाँ जानता हूँ, पिछली 3 पीढ़ियों से जानता हूँ मैं तो, मैंने सुना है उनकी लड़की शादी लायक है। हाँ ये बात सच तो है, तो दिक्कत क्या है, कुछ कमी लड़की में? कोई दिक्कत नहीं है जी, लोग तो बातें बनाते रहते हैं। और 2 घंटों तक माँ की पंडित जी से बातें होती रही और पंडित जी अपने काम पर लग गए। अगले दिन वो खबर लेकर आए, तो अब पंडित जी खबर लेकर आए कि सवेरे सवेरे ही वो डीवी कृष्ण अय्यर के घर पर पहुंच गए, वो तो थे नहीं। उनकी बीवी से बात हुई, बेटी को भी देखा, बड़ी अच्छी गोरी, पता चला 14 साल की है, बड़ी सुशील लड़की है। इधर उधर की बातें की और आखिर शादी की बात निकाली। पता चला कि इसी साल वो अपनी बेटी की शादी करने की सोच रहे हैं। बोले कि कोई अच्छा लड़का ढूंढ कर बताओ। फिर मैंने इधर उधर 2 लड़कों की बात की, फिर आपके बेटे का रिश्ता सामने रखा। तो मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि वो लोग आपकी फैमिली के साथ रिश्ता बना करके बिल्कुल खुश होंगे। पता है आपकी फैमिली की बात निकालते ही लड़की की माँ तो उछल पड़ी, शायद वो आप लोगों की फैमिली का कोई दूर का रिश्ता भी है उनके साथ में। फिर चंद्रन की माँ सोचने लगी कि अच्छा ऐसा है। फिर पंडित जी बोलने लगे कि वो लोग शादी में करीब करीब 2000 का दहेज दे देंगे, चांदी के बर्तन दे देंगे, 1000 रुपये गिफ्ट वगैरह हो जाएंगे, 1000 खर्चा मान चलो, 1000 रुपये ज्वेलरी वगैरह, और कल अगर दिन सही रहा तो वो लोग कुंडली भी भेज देंगे, कुंडली आगे मिलाकर बात कर लेंगे। फिर चंद्रन के पिता को ये कुंडली वगैरह पर विश्वास तो था नहीं, लेकिन चंद्रन की माँ बहुत मानती थी। अब चंद्रन के मन में तो लड्डू फूट रहे थे ये सब देखकर। उसे लगा कि मालती भी उसे उतना ही पसंद करती है जितना कि वो करता है, शायद उसने अपने माँ बाप पर दबाव बनाया होगा शादी के लिए कि शादी करूँगी तो सिर्फ चंद्रन से, किसी और से नहीं करूँगी। उसके बारे में सोचते सोचते ये वहीं पर सो गया, तकिया कसकर इसने पकड़ लिया और अंधेरे में चिल्लाने लगा, मालती डियर क्या तुम मुझे सुन रही हो? इन दिनों मालती ने नदी पर आना भी बंद कर दिया था, उसके घर के सामने चक्कर लगाता रहता था, सोचता रहता था कि ये मेरा ससुराल बनेगा एक दिन। अब अगले दिन पंडित जी नहीं आए तो इसको चिंता हो गई कि आखिर क्या बात हो सकती है, कहीं वो लोग अचानक मुकर तो नहीं गए। और इसके बाद अगले दिन कुंडली नहीं आई, फिर अगले दिन भी कुंडली नहीं आई। हर आधे घंटे में ये अपनी माँ से जाकर पूछता, माँ आई क्या? और आखिर में बोला, हम लोग ही किसी को क्यों नहीं भेज देते उनके घर से कुंडली लेने के लिए? तो इस पर पिताजी बोले, अच्छा आइडिया बेटा, तू एक काम कर, तू जा और तू जाके लेके आ। बेटा थोड़ा सब्र रखना सीख ले, क्योंकि बीवी आ जाएगी तो सबसे जरूरी चीज सब्र ही होगी तेरे पास में, बेटा सब्र रखना सीख ले। तो इस पर माँ बोली चिढ़कर, कहना क्या चाहते हो जी तुम, साफ साफ बोलो ना। चंद्रन बिल्कुल निराश सा हो गया। फिर छोटा भाई सीनू से नोटिस कर रहा था, बोला भैया इन दोनों ज्यादा ही परेशान हो, तबीयत ठीक तो है ना तुम्हारी? हाँ भाई ठीक हूँ, लगते तो नहीं हूँ। क्यों क्या होगा मुझे? नहीं कुछ नहीं, माँ कह रही थी तुम्हारी शादी होने वाली है। अच्छा भाई तुझे भाभी मिलेगी तो तुझे अच्छा लगेगा क्या? अब ये सवाल सुनते ही, भाभी शब्द सुनते ही सीनू शर्मा के कुर्सी के पीछे जा चुका। तो इस पर चंद्रन सोचने लगा, तू कमाल का आइटम है यार, शादी मेरी हो रही है कि तेरी? चंद्रन ने अपने सवाल को तीखा करके पूछा, भाई तेरी भाभी का नाम मालती हुआ तो तुझे कैसा लगेगा? ये सुनते ही सीनू घबरा गया और कमरे से बाहर भाग गया। चंद्रन की चिंता बढ़ती चली जा रही थी। क्यों? क्योंकि कुंडली नहीं आ रही थी। सोच रहा था कि ये खुद जाकर के कुंडली ले ले, लेकिन माँ ने बोला गलत होगा, बदनामी बहुत होगी। फिर दिमाग में एक आइडिया आया कि लड़की के बाप से दोस्ती बढ़ानी पड़ेगी। ये इसके लिए मोहन की मदद लेने की सोच रहा था। मोहन भी सोचने लगा कि प्यार ने चंद्रन के दिमाग को तेज कर दिया या फिर वो फालतू ही सोचने लगा। और सच बात भी थी, क्योंकि चंद्रन फालतू ही इतना दिमाग चला रहा था, पंडित जी तो खुद ही लड़की की कुंडली घर ले आए, शाम को इसके घर पर दे गए। इतने दिन इसलिए लगे उनको क्योंकि उनको कोई शुभ दिन नहीं मिल रहा था। दोनों फैमिलीज में रिश्ते की बात चलने लगी। अब इस वक्त शायद चंद्रन से ज़्यादा खुश इस दुनिया में कोई नहीं हो, लेकिन उसकी माँ बार बार उसकी इस एक्साइटमेंट पर पानी डाल देती थी। इतना उड़ मत बेटा, पहले ज्योतिष को तय कर लेने दे, फिर उसके बाद लंबी चौड़ी प्रोसेस है, हम लेन देन की बात करेंगे, बहुत सारी बातें अभी तो। चंद्रन बैठा अपने दांतों से नाखून चबा रहा था, बोला, माँ तुम दहेज के मामले नाटक मत करना, सौदेबाजी मत करना। अरे तू चिंता मत कर, अगर वो लोग हमारी शर्तों पर अपनी लड़की नहीं देंगे तो तुझे 1000 गुना बढ़िया लड़की ला कर दूंगी,
रुतबा तो बनाए रखना होगा ना बेटा, तुम्हारे लिए बेटा ज्यादा प्यारा है या रुतबा? रुतबा, कमाल हो यार आप लोग। चंद्रन बहस करता रहा। माँ बोली, बेटा ये तो रिवाज है। अच्छा दामाद चाहिए तो पैसा जमा करके रखना चाहिए ना। अभी लड़की आई भी नहीं है तो उसकी वकालत करने लगा। वाह बेटा वाह। अब इसकी इतनी एक्साइटमेंट में लड़की वालों की तरफ से जवाब आया। 3 दिन बाद एक लेटर आया। लेटर पहले चंद्रन के फादर ने पढ़ा, जिसे पढ़ने के बाद उन्होंने खुद ही वो लेटर चंद्रन को दे दिया, जिसमें लिखा था कि डियर सर, आपने जो कुंडली अपने बेटे की मेरी बेटी की से मिलाने के लिए भेजी थी, मैं उसे वापस कर रहा हूँ। मेरे ज्योतिष ने बड़ी गहराई से इसे पढ़ा और उन्होंने बोला कि ये कुंडली कहीं भी नहीं मिलती, इसमें आपके बेटे का मंगल भारी है। मतलब शादी के बाद इन दोनों को, लड़की लड़की को, बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। प्रॉब्लम इन द सेंस, लड़की की डेथ हो जाएगी। लड़के को 2 बार शादी करनी पड़ेगी, ऐसा योग है इसमें। ऐसा कहकर अपनी बेटी के लिए अय्यर साहब ने पत्ता काट दिया। चंद्रन ने लेटर पूरा पढ़ा, पूरा पढ़कर अपने फादर के हाथ में रखा और बिना किसी से बात किए एक भी शब्द बोले अपने कमरे में चला गया। ठेस लगी थी बेचारे को। कुछ देर बाद पिताजी कपड़े पहनकर बाहर निकलने लगे, तभी चंद्रन सामने आके खड़ा हो गया। बहुत ही सीरियस टोन में वो बोला, पिताजी कुछ कीजिए ना, अब कुछ नहीं हो सकता क्या? ये बोलते हुए उसकी आंखें लाल हो गई थी। अब कौन से बाप से अपने बेटे की यह हालत बर्दाश्त होगी? वो बोले, मैं कुछ करता हूँ। उन्होंने एक लेटर लिखकर अय्यर साहब को खुद अपने घर बुलवाया। बात हुई, कुंडली में कहाँ दोष है ये बात निकल। वो बोले, सिचुएशन कुछ ऐसी है कि शादी के बाद लड़की की डेथ हो जाएगी। ये सुनकर चंद्रन के फादर ने वहीं पर ये मामला ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन अपने बेटे की हालत नहीं देख पा रहे थे वो, तो उन्होंने, उसके फादर ने सिटी से एक बड़े पंडित को बुलवाया शहर से। बोले, भाई जिस दोष की तुम बात कर रहे हो, बड़े पंडित ये बोले कि जिस दोष की तुम बात कर रहे हो, तुमने गणनाएं गलत की है, वो दोष अब खत्म हो गया। अगर लड़का 23 साल का ना होकर 20 साल का होता तब ये दोष होता, अभी 25 साल तक तो ये दोष बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। वो इधर उधर की बातें करने लगे, भाई घर जाओ, जाकर फिर से देखो कुंडलियाँ एकदम सही मिलती है कि नहीं। लड़की का बाप बोला, मैं अपनी बेटी के मामले में रिस्क नहीं ले सकता, ये शादी नहीं हो सकती, मतलब नहीं हो सकती। चंद्रन की माँ शोर मचाए बैठी थी कि 50 लड़कियाँ मिल जाएगी, छोड़ो ना इन लोगों को। लेकिन इसके बाद चंद्रन ने तय कर लिया कि इनसे कुछ नहीं होगा। उसने खुद मालती को लेटर लिखा, उसने कोशिश की कि ये लेटर लव लेटर ना हो जाए, इसलिए उसने बोला कि 2 साल तक इंतज़ार कर लो, मेरा दोष सही हो जाएगा, फिर उसके बाद में हम शादी कर लें। लेकिन उसका कोई जवाब नहीं था। एक एक दिन गुजरता गया गुजरता गया। वो सोचता रहा कि अब तक जवाब क्यों नहीं आया, और आखिर एक दिन जब वो मिल स्ट्रीट में पहुंचा तो उसे ढोल और शहनाई दोनों की आवाज़ सुनाई थी, जिसे सुनकर इसका दिल जोरों से धड़कने लगा, शरीर एकदम से कांपने लगा, क्योंकि मालती की शादी थी जिसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उस रात चंद्रन को तेज बुखार हुआ और 10 दिन तक वो बुखार इसे चढ़ा रहा। इसके बाद ये अपने फादर से मालती की शादी के बाद में मद्रास जाने की जिद करने लगा और अगली ट्रेन से ये मद्रास चला गया। मालती की शादी के 10 दिन बाद तक चंद्रन बीमार रहा और जैसे ही ठीक हुआ उसने मद्रास की टिकट कटाई और मद्रास पहुंच गया। प्लेटफॉर्म पर जमा भीड़ में चाचा का लड़का भी खड़ा था, जो शायद उसे लेने आया था। उसकी नज़रों में आए बिना ये प्लेटफॉर्म से निकल गया। बाहर जाते ही तांगे वाले को कहा कि किसी होटल में ले चलो, और होटल में चला गया। तांगे वाले को उसने बिना जिद बहस किए पैसे दे दिए। तांगे वाले को भी शायद पहली बार ऐसा लड़का मिला था जो बिना जिद बहस किए पैसे दे रहा था। उसको अफसोस हुआ कि 1 रुपये क्यों, 2 रुपये क्यों नहीं मांग लिए। वहाँ पर होटल में मेज पर बैठा आदमी रजिस्टर में कुछ लिख रहा था। इसने जाकर कहा, कमरा है? उस आदमी ने घंटी बजाई और एक नौकर आया, साहब को ऊपर वाला कमरा नंबर 3 दिखाओ, एडवांस लगेगा। कितना? इस शहर में लोग पैसे लेने की बात परवाह नहीं करते थे कि तू कौन और मैं कौन। कितने दिन रहोगे? उस आदमी ने पूछा। 3 दिन। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसका अभी फिक्स नहीं है कि कितने दिन रहेगा ये होटल के। होटल वाले ने 4 रुपये की डिमांड की और इसने बिना जद बहस किए 4 रुपये उसको दे दिए। चढ़कर ऊपर कमरा देखने गया तो कमरा बहुत छोटा सा था, जितना इसके गाँव में तो बहुत बड़े बाथरूम होता है उतना बड़ा तो कमरा था। एक कुर्सी लगी हुई थी, एक लोहे की चारपाई, ये उस पर बैठ गया, आंखें मलने लगा, थकान हो रही थी। बाहर जाकर खिड़की के बाहर देखने लगा कि कितना बिजी शहर है, किसी को एक पल का टाइम नहीं है। तभी अचानक एक आदमी काला सा लंबा सा जिसकी बड़ी बड़ी मूछें थी इसके सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, नहा लो भाई, नहाना नहीं है क्या, पानी ख़त्म हो जाएगा। नहीं मैं अभी थका हुआ हूँ। अरे पानी ख़त्म हो जाएगा, चलो और तुमको बाथरूम दिखाता हूँ। इतना कहकर वो आदमी उसको अपने साथ में ले गया। कैलाश नाम है मेरा। इसके बाद चंद्रन उसका दोस्त बन गया और नाश्ता करके दोनों बाहर चले गए।
पूरा दिन दोनों साथ में घूमने लगे, शाम को खाना खाया। हर जगह पर उस कैलाश ने खुद से खर्चा किया। इस कैलाश ने 2 शादियाँ की है और दोनों बीवियों से बहुत प्यार करता है। मद्रास तो बस घूमने आता है, मज़े करने आता है, जैसे ही पैसे ख़त्म हो जाते हैं वापस चला जाता है। कैलाश ने इससे पूछा, तुम्हें मेरी उम्र कितनी लगती है? इसने बोला, पता नहीं, फिर भी आप 30 साल के लगते हो। भाई 51 साल का हूँ मैं, बाल काले भी नहीं करता और अगले 20 साल तक ऐसा ही रहूँगा। ज़िंदगी जीने में विश्वास रखता हूँ मैं। इंसान को अपनी ज़िंदगी के 40 साल कमाने में और 40 साल उड़ाने में बिताने चाहिए। वो चंद्र को अपने साथ एक आलिशान होटल में दारू पिलाने लेके गया, एक्चुअली बियर। लेकिन चंद्र ने बोला कि मैं अपनी माँ से वादा करके आया हूँ गाँव से निकलते हुए कि दारू नहीं पीऊँगा। तो वो बोला, दारू किधर है, ये तो बियर है। बोला, अल्कोहल तो होता है ना। बोले, पी ले यार। अब कैलाश माँ की बात सुनकर थोड़ा सा सीरियस हो गया। वो तो आधी रात तक दारू पीता रहा, चंद्रन उसके सामने बैठा रहा, उसने नींबू पानी पिया, मिठाइयाँ खाई और चंद्रन ही उसे संभाल कर घर ले जाने लगा। सड़क पर ये कैलाश ड्रामेबाजी करने लगा, बकवास करने लगा। फिर दोनों ने टैक्सी पकड़ी, टैक्सी में बैठ कर प्रॉस्टिट्यूट के इलाके में पहुँच गए, यानी कि रेड लाइट एरिया। चंद्रन को वहाँ से मौका मिला, मौका देख कर वो तो भाग आया। वो डर गया था और एक फुटपाथ पर आकर बैठ गया। ये पहला मौका था गांव से आने के बाद जब उसको मालगुड़ी की याद आ रही थी कि क्या कोई ट्रेन है मालगुड़ी वापस जाने की। मुझे एक दिन भी सिटी में 1 साल के बराबर लग रहा है। यहां पर किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। क्यों वो घर के आरामदायक बिस्तर को छोड़कर इस अजनबी शहर में सड़कों पर धक्के खा रहा है? क्या मालती भी मुझे याद करती होगी? क्या उसका पति सही आदमी होगा? फिर मालती की शादी के बारे में सोचकर एक बार फिर से इसने तय कर लिया कि अब कुछ भी हो जाए मालगुड़ी वापस नहीं जाएगा। वहां की हर चीज उसको, वहां की रेत, वहां का पानी, वहां की मिट्टी, सब इसको मालती की याद दिलाती थी। मालगुड़ी अब इसके लिए नर्क था। कहता है कि जिंदगी का जुआ खेल कर आया हूं, जीना या मरना इस शहर में है। अगर कुछ ना मिला तो आत्महत्या करनी पड़ेगी। वो अब खुद को सन्यासी मानने लगा था कि घर छोड़ दिया मैंने, अब सामान की भी क्या जरूरत है, होटल भी नहीं जाऊंगा। वो रात भर फुटपाथ पर ही दीवार के सारे सटे हुए सो गया। वहीं फुटपाथ पर उसे नींद आ गई और दूसरे दिन झाड़ू लगाने वाले ने उसे उठाया। उठकर ये आंखें मलने लगा। नींद पूरी होते ही इसने तय किया कि मद्रास ये तुरंत छोड़ देगा, किसी दूसरी सिटी में या फिर गांव टाइप के इलाके में चला जाएगा। स्टेशन पर पहुंचकर इसने नक्शे में देखा, फिर देखा बीजवाड़ा। बीजवाड़ा की टिकट ली, एक छोटा सा गाँव था, पता नहीं कौन सा गाँव था, और ट्रेन में चढ़ गया। फिर पता नहीं क्या इसके विचार आया कि ये ट्रेन से कूद गया। फिर यहाँ वहाँ भटकने लगा, कालेश्वर मंदिर में गया, मंदिर में जाकर सारे भगवानों के सामने माथा झुकाने लगा और सड़क पर बैठे एक नाई के पास जाकर बोला, मेरे सारे बाल उतार दो। नाई हैरान, क्योंकि अब तक उसके पास विधवाएं आई हैं, दूसरे लोग आए, लेकिन ऐसे एक यंग लड़का नहीं आया। नाई ने पूछा, क्या सच में तुम्हें मुझसे बाल कटवाने हैं? उसने बोला, हाँ, और मुझे एक और फेवर चाहिए तुमसे। नाई बोला, क्या? मुझे कुछ गेरुआ कपड़ों की ज़रूरत है। नाई ने पूछा, लेकिन बाबू तुम इस उम्र में सन्यासी क्यों बन रहे हो? वो समझ चुका था। वो बोला, मेरा अब दिल भर चुका है, मुझसे ज़्यादा सवाल जवाब तो करो मत, दुनिया से दिल भर चुका है, दुनिया में मेरे सारे अपनों ने मेरा साथ छोड़ दिया। तब वो नाई उसे अपनी झोपड़ी में ले गया कि चलो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ ले आऊँगा। टेढ़ी मेढ़ी सी गलियों में से, गंदी संदी गलियों में से वो एक घर में पहुँचा, एक छोटी सी कुटिया टाइप की, जिसमें एक मोटी तगड़ी औरत थी जो नाई की औरत थी। आधा दिन वो वहाँ पर रहा। दोपहर को 3 बजे नाई गेरुए कपड़े अपने साथ लेकर आया और खाने के लिए केले और नारियल वगैरह लेकर आया। चंद्रन को भूख लगी थी तो उसने वो फल खा लिए और गेरुआ कपड़े पहनकर सन्यासी बन गया। एक पोस्ट कार्ड मंगवाया, अपने फादर को लेटर लिखा, जिसमें उसने लिखा कि मैं ठीक हूँ, दोस्त के यहाँ पर रह रहा हूँ, चाचा चाची के यहाँ पर गया नहीं, मैं यहीं पर रह रहा हूँ और मैं नहीं बताऊँगा मैं कहाँ पर हूँ। आप बस मेरी चिंता मत करना और पुलिस को तो बिल्कुल भी मत बताना, मैं सही हूँ, खुश हूँ। और चंद्रन गांव-गांव पैदल घूमने लगा सन्यासी बनकर, बैलगाड़ियों से लिफ्ट मांग कर। हर कोई उसे सन्यासी समझता था। भूख लगती तो खाना मांग कर खा लेता, नींद आती तो कहीं भी सो जाता, कभी खुले में, कभी कोई घर पर सुला देता उसको। धीरे धीरे उसके गालों की हड्डियां बाहर आने लगी, सड़कों की धूल उसके शरीर पर जमने लगी, हाथ पैर उसके अकड़ने लगे थे, गेहूं का कलर काला हो गया था, होठों से मुस्कान तो जैसे गायब ही हो गई, शेव वो करता नहीं था, 1-2 बार की थी, उसके बाद वो मेहनत भी नहीं होती थी। 8-1 महीने ऐसे घूमने के बाद में वो एक गांव में पहुंचा, छोटा सा गांव था, प्यास बहुत लगी थी। खेतों में एक नाला बह रहा था, उसी में से उसने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई, फिर एक बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और उसकी जड़ के सहारे सो गया। जब आँख खुली तो देखा उस गाँव के गाँव वाले उसके चारों तरफ घेरा बनाकर खड़े थे,
पूछा, महाराज जी आप कहाँ से बता रहे हैं? चंद्रन थका हुआ था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दें। उसने अपने होठों पर उंगली रखी, फिर उसके बाद ऊपर आसमान की तरफ उंगली की और 10 उंगलियां उनको दिखा दी। अब वो क्या समझ बैठे, उन्होंने सोचा कि स्वामी जी 10 सालों के लिए मौन व्रत पर हैं। स्वामी जी आप कहाँ जाएंगे? तो चंद्रन ने हाथ घुमाकर बताया, बहुत दूर जाऊंगा। एक आदमी बोला कि आप जैसे स्वामी यहाँ पर पुण्य आत्मा कम आते हैं, आप एक काम कीजिए मेरे साथ मेरे घर पर चलिए। लेकिन वो वहीं पर रुका रहा, आप यहीं रुक जाओ, आप जैसे लोग इस गांव में कम आते हैं। वो लोग इतनी जिद करने लगे कि इसे रुकना ही पड़ा। लोगों में खबर फैल गई कि कोई बहुत बड़े महात्मा आए हैं बरगद के पेड़ के पास में। गांव के औरतें, बच्चे, मर्द, सब लोग, बूढ़े सब उस महात्मा को देखने आए बरगद के पेड़ के पास। और दूसरे दिन तो सैकड़ों में लोग आ गए। धीरे धीरे दर्शन करने की भीड़ बढ़ती रही। चंद्रन इनको देखकर घबरा गया, वो आंखें बंद किए बैठा रहा। आखिरकार उसने इशारा करके सबको बोल दिया कि घर जाओ सारे के सारे। जब इसकी आंख खोली तो इसने देखा कि गांव वालों ने उसके खाने के लिए तरह तरह के आइटम रख दिए थे, दूध, केले, दही, जाने क्या क्या रख दिया था। इसे बहुत बुरा लगा कि ऐसे सीधे साधे लोगों के साथ धोखेबाजी करना ठीक नहीं है। आखिर जब से ये सन्यासी बना है इसने फ्री का खाया है, जब भी किसी से मांगता लोग इस पर दया खा के इसको दे देते थे, ऐसे तो नहीं चलेगी। वहाँ अपने माँ बाप को ये मरने के लिए छोड़ आया, और ये सब किसके लिए, कहाँ से शुरू हुआ ये सब? मालती के प्यार के लिए। आखिर इसको यहाँ पर एहसास हुआ कि मैं बेवकूफ़ हूँ, मेरे से बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं हो सकता। ऐसा सोचकर वो उठा और वापस अपने घर मालगुड़ी की तरफ चल दिया। तो चंद्रन को जब अक्ल आई और वो वापस अपने घर लौटा तो उसका बदला हुआ रंग रूप देखकर उसके माँ बाप बिल्कुल हैरान रह गए। माँ बोली, तू तो एकदम लाश लग रहा है, हड्डियाँ कैसे बाहर निकल आई है, गाल एकदम पिचक गए हैं, क्या करता रहा इतने दिन? भाई बोला, तुम्हारा कोट कहाँ है, शर्ट एकदम ढीली लगी हुई है, बाल गायब हैं, इतने छोटे क्यों कर लिए, और बैग कहाँ है तुम्हारा? पिताजी ने पूछा, क्यों भाई, कहाँ कहाँ घूमे? तो वो बोला, बहुत जगह गया, घूमता ही रहा। चाचा के यहाँ पर क्यों नहीं गया? माँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, आप लोग मेरे लिए परेशान तो नहीं हुए? फिर पिताजी बोले कि माँ हुई थी तुम्हारी। माँ बोली, अच्छा, तुम तो जैसे हुए ही नहीं परेशान, कितनी बार मद्रास चले गए तुम? तेरे पिताजी ने ना जाने कितने लोगों को चिट्ठियाँ लिख दी। तीनों बोला, भैया, माँ और पिताजी वाकई परेशान थे, घर में मुझसे तो कोई बात ही नहीं करता था, इन दिनों दोनों गुमसुम से हो गए थे, मुझे भी घर पर अच्छा नहीं लगता, बावर्ची के अलावा मुझसे कोई बात ही नहीं करता था। फिर जब ये अपने कमरे में गया तो इसने देखा कि सारा सामान जहाँ ये छोड़कर गया था वहीं पड़ा था, किताबें मेज पर छोड़ के गया था वहीं थी, चारपाई, अलमारी, पुराना भूरा कोट स्टैंड पर टंगा हुआ था, स्टैंड पर ही टंगा हुआ था। और कमाल की बात ये थी कि धूल जरा सी भी नहीं लगी थी, मकड़ी का एक जाला तक नहीं दिखाई देता था। ये देखकर एक बार के लिए चंद्रन बहुत इमोशनल हो गया। जब पिताजी ने कहा कि हर रोज सवेरे बड़े ध्यान से तेरी माँ तेरे कमरे की सफाई करवाते थे और हर वक्त तेरे कमरे को ताला लगा कर रखती थी, एक घंटे के लिए भी नहीं खोलती थी। इसके बाद वो गार्डन में गया, वहां पर टहलने लगा, चारों तरफ देखा तो घास ऊंची ऊंची लग रही थी, फूलों के पौधे सूखते जा रहे थे, जगह जगह झाड़ियां फैलने लगी थी। पिताजी सुबह शाम उठकर इन पौधों का ध्यान रखते थे, उसे याद है। अंदर जाकर पूछा, आपने गार्डन की देखभाल करना बंद कर दी, अब इनके लिए मैं क्या करता? उन्होंने जवाब दिया, तो आप क्या करते थे इतने टाइम तक? तो माँ ने शैतानी से मुस्कुराकर कहा कि ये खोए हुए थे अपने बेटे की तलाश में। पिताजी, मैंने आपको कहा था ना मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तुमने लिखा था, कोई बात नहीं, तो मजाक कर रही। इसके बाद शाम को चंद्रन मोहन से मिलने गया। बोला, माँ हो सकता है मैं रात को ना आऊं, मोहन के साथ होटल में ही सो सकता हूँ, ठीक है? मोहन के होटल की तरफ बढ़ते हुए चंद्रन बहुत ज्यादा उस शाम के बारे में सोच रहा था जब ये यहाँ पर आया था, मालती की शादी वाले दिन जब वो आखिरी बार यहाँ पर आया था। मॉडर्न इंडियन लॉज के सामने पहुँचने से पहले इसका दिल तेजी से जोरों से धड़कने लगा। इसका भ्रम अभी तक खत्म नहीं हुआ था, वहाँ पर कोई भी नहीं था। होटल की सीढ़ियाँ चढ़कर ये ऊपर पहुँचा। मोहन अब एक नए कमरे में रहने लगा था, तरक्की हो गई थी उसकी, बड़ा कमरा ले लिया था इसी होटल में। मोहन उसे देखकर दंग सा रह गया, 5 मिनट तक तो उसकी आवाज ही नहीं निकली। फिर जब मुंह खोला तो ये सवाल निकाला, अबे क्या हाल बना लिया ये अपना, कहाँ थे अब तक, ये तो बड़ा शानदार कमरा ले लिया यार तूने, पुराना वाला क्यों छोड़ दिया? अब मैं पैसे वाला हो गया हूँ, उसने हंसते हुए कहा, तुम अपने बारे में बताओ। अरे भाई, मेरी तो बड़ी लंबी कहानी है, रामायण की तरह, वो भी सुनाऊंगा, तू अपनी बता, इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया? फिर इसके बाद मोहन ने बताया कि जिस डेली मैसेंजर में वो काम करता है वो 30,000 में बिकने लगा। जैसे जैसे वो न्यूज़पेपर बढ़ता जा रहा था इसकी तरक्की भी बढ़ती जा रही थी।
कई दफा अपने आप को रोकने के बाद चंद्रन ने आखिरकार इससे पूछ ही लिया जो इसके दिल में था। उसे पूछा, वो लोग भी अभी इसी घर में रहते हैं क्या? मोहन मुस्कुराया और थोड़ी देर रुककर जवाब दिया, शादी के कुछ ही दिन के बाद में उन्होंने ये घर छोड़ दिया था, अब पता नहीं कहाँ चले गए। तो अभी इसमें कौन रहता है? कोई मारवाड़ी आदमी है, उसने खरीद लिया, उधारी का काम करता है। सब कुछ चेंज हो गया भाई। चंद्रन को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो 8 महीने बाहर रहकर आए, 18 साल, ऐसे कैसे इतनी जल्दी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। इसके बाद उसने मोहन को अपनी सारी कहानी बताई और कहा कि भाई ये बात किसी को मत बताना, मैंने तुझे ही बताई है। इसके बाद चंद्रन काफ़ी स्टेबल लाइफ गुजारने लगा। मालती की कभी कभी याद आती थी, लेकिन खुद को समझा लेता था, वो जो काम करता उसी में पूरा मन लगा था। लेकिन धीरे धीरे इसे एक बात खटकने लगी थी, जैसे वो अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था। सवाल था काम धंधे का, करना क्या है ज़िंदगी में। अक्सर सोचता था कि अगले साल इंग्लैंड चला जाएगा, डिग्री लेकर वापस आ जाएगा, नौकरी मिल जाएगी। ये सब सोचकर मन तो शांत हो जाता था, लेकिन कभी कभी नहीं होता था, और आजकल तो बिल्कुल नहीं होता था, क्योंकि कॉलेज पास किए 2 साल हो चुके हैं और उम्र हो गई है 24 साल, और अभी तक ज्योंक की तरह पिताजी से चिपका हुआ है। इस बात ने इसको एक दिन इतना परेशान किया कि ये बागीचे में काम करते हुए फादर के पास में गया और जाकर बोला कि मैं कोई सरकारी नौकरी के लिए अपील कर देता हूँ। उन्होंने हाथ से खुरपी छोड़ी और पूछा, तुम्हें इस सब की क्या ज़रूरत है? अगले साल तो इंग्लैंड जा ही रहा है ना? पिताजी बीए पास किए 2 साल हो गए, 24 का हो गया, मैं क्यों टाइम बर्बाद कर रहा हूँ? मैं अपना बच्चा तो रहा नहीं, आगे चलकर परिवार भी चलाना है मुझे अपना। तो पिताजी ने फिर से इसको इंग्लैंड जाने का दिलासा दे दिया। लेकिन इंग्लैंड जाना भी एक जुए के जैसा है, वहाँ पर जाना, पढ़ाई करना, वापस आकर नौकरी की तलाश करना, ये एक जुए जैसा लगता था इसको कि फालतू में पिताजी का इतना पैसा खर्च करूंगा, कि बहुत ज़्यादा खून चूसने वाली बात हो गई। मोहन ने उससे कहा कि कोई और काम कर ले भाई। तब चंद्रन ने पूछा, क्या करूँ? तो उसने कहा, हमारे न्यूज़पेपर की एक मेन एजेंसी है, अभी जो उसका एजेंट है उससे लोग खुश नहीं है वहाँ पर, तो उसको बदलना चाहते हैं। और वहाँ पे इनकम क्या होगी? देख भाई, ये तो डिपेंड करता है तू जैसे काम करेगा। चंद्रन की कुछ भी समझ में नहीं आया। जाकर इसने अपने फादर से बस इतना कहा कि मैं अगर इंग्लैंड ना जाऊँ तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? तो इसके पिताजी ने पूछा, क्या क्या बात हो गई? तो ये बोला, मुझे इंग्लैंड जाना जुआ सा लगता है, पता नहीं क्यों, मैं न्यूज़पेपर का एक एजेंट बनना चाहता हूँ, मैंने अपने दोस्त से बात की है, मोहन से। इसके बाद वो अपने फादर को पूरी गणित समझाने लगा। अब पिताजी हर मामले में अपने मद्रास वाले भाई से सलाह लेते थे। उन्होंने लिख के भेजा कि मेरा बेटा अखबार की एजेंसी लेना चाह रहा है, पहले 2000 रुपये लगेंगे, क्या करना चाहिए कुछ समझ में नहीं आ रहा। और इसके इंग्लैंड जाने का क्या हुआ? उन्होंने पूछा। पता नहीं, इसके रोज़ रोज़ विचार बदलते रहते हैं, आज क्या कल क्या। मद्रास वाले भाई साहब ने इस न्यूज़पेपर के बारे में सब कुछ पता किया, उसके बाद में एक लेटर लिख करके भेजा कि अखबार सही है, भेज दो, इस टाइम पे इन्वेस्ट करना सही रहेगा इसके अंदर। तो इसने पूछा अपने फादर से, चंद्र ने क्या सोच रहे हो अब आप? तो उन्होंने कहा कि अभी की अभी आज ही मद्रास चले जाओ और मैं तुम्हारे चाचा को उतार दे देता हूँ, ठीक है? तो ये गया अपनी माँ के पास में, मैं आज मद्रास जा रहा हूँ। माँ ने चिंता करते हुए पूछा, फिर कब लौटोगे? 2-3 दिन में, जैसे ही काम हो जाएगा, आप चिंता मत करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। इसके बाद माँ, पिताजी, सीनू तीनों उसे स्टेशन पर गाड़ी में बैठाने गए। दूसरे दिन सुबह गाड़ी मद्रास स्टेशन पर रुकी, देखा चाचा जी से लेने आए थे, अब की बार बेटे को नहीं भेजा था ताकि फिर से चकमा देकर या ना भाग जाए। ये चीज़ देखकर चंद्रन का चेहरा लाल हो गया था। और मिलते ही चाचा ने सबसे पहला सवाल ये पूछा कि इंग्लैंड जाने का इरादा क्यों बदल दिया तुमने? और इनकी गाड़ी हॉर्न बजाती हुई मद्रास की सड़कों पर चलने लगी। पिताजी के कहने पर एक बार फिर से चंद्रन मद्रास आ गया अपने चाचा जी के पास। वहाँ पर मद्रास में से चाचा जी मिले, चाची जी मिली, उनके बच्चे मिले। उनके बेटे का नाम था राजू और बेटी का नाम था कमला। इनके घर पर जाकर इसने स्नान ध्यान किया और 11 बजे भोजन करने के बाद में चाचा जी के साथ में उनकी कार में किसी से मिलने गया। चाचा जी इसको ले गए किसी से मिलवाने। उस बंदे का नाम था मिस्टर मुरुगेसन। उस आदमी के पास चंद्रन को छोड़ते छोड़ते ये बोले कि मुझे कुछ काम है, मैं लड़के को आपके पास छोड़ कर जा रहा हूँ। वो बोले कि कोशिश पूरी रहेगी सर, आप जो इसको दिलवाना चाहते हैं मिल जाए। वो बोले, सर कोशिश नहीं करनी है, इसे न्यूज़पेपर दिलवाना ही है, लड़का ग्रेजुएट है, सरकारी अधिकारी का बेटा है, जितना पैसा लगेगा हाथों हाथ दे देंगे, लेकिन न्यूज़पेपर की एजेंसी इसको चाहिए, मतलब चाहिए। इसके लिए लड़के ने इंग्लैंड जाना तक छोड़ दिया। इसके बाद वो चले गए और उस आदमी ने जान लगा दी चंद्रन को न्यूज़पेपर की वो एजेंसी, मालगुड़ी वाली एजेंसी दिलवाने में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि ये गया और एजेंसी उन्होंने तैयार इसके हाथ में दे दी। इससे काफ़ी सारे सवाल जवाब पूछे गए, एक लंबी सी स्पीच दी गई कि बेटा देखिए, न्यूज़पेपर वो पुराना वाला न्यूज़पेपर मत समझना जो 2 साल पहले था।
साल भर में इसका सर्कुलेशन 8,000 से बढ़कर 30,000 तक पहुंच गया। अगले 6 महीनों में अगर तूने प्रोग्रेस नहीं दिखाई तो उससे एजेंसी छीन लेंगे। इसके बाद चंद्रन मालगुड़ी आकर काम में लग गया। उसने मार्केट रोड पर 7 रुपये महीने किराए पर एक छोटा कमरा लिया। उसके दरवाजे पर खूब बड़ा सा लिखवा दिया, द डेली मैसेंजर। ऑफिस में इसने एक मेज लगा दी, एक कुर्सी लगा दी, एक लंबी सी बेंच लगा दी और रोज़ सुबह 11 बजे से 5 बजे तक ये ऑफिस में बैठा रहता और ऐसे लोगों की एक लिस्ट बनाता जिसमें किस किस को ग्राहक बनाया जा सकता है, उन सब के नाम शामिल होते। और कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद में उसने बहुत सारे कस्टमर्स बना लिए। मोहन ने भी उसका खूब सपोर्ट किया। और कमाल की बात ये थी, ये इस न्यूज़पेपर में जो खबरें आती थी वो बड़ी चटपटी होती थी, इसलिए लोगों को ये न्यूज़पेपर ज़्यादा ही पसंद आता था। इसने अपने न्यूज़पेपर को चलाने के लिए बैंड बाजे वाले बुलवा लिए, शहर भर में धूम धड़ाके से जुलूस निकलवा दिया, 100 कॉपीज तो फ्री में बांट दी। कहना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें जो इसने की, इसकी चीज़ इसका न्यूज़पेपर चलने के लिए बहुत ज़रूरी थी। जो इसने मेहनत की उसका फल भी इसे मिला, इसका ऑफिस जम गया। और एक दिन जब ये ऑफिस में अपना काम कर रहा था तो इसके पिताजी इसके ऑफिस में दाखिल हुए। वो यूं ही अचानक बिना बताए आ गए, वैसे वो कम ही आते थे, और इस तरह आना इसको थोड़ा सा अजीब लगा, बड़ा ताज्जुब सा हुआ, इसे खुशी भी हुई। उन्होंने कहा, चंद्रन बैठो, परेशान मत हो, काम कैसा चल रहा है तुम्हारा? ऐसे ही इधर उधर के सवाल जवाब पूछकर उन्होंने सीधा मुद्दे की बात की। देखो, तुम्हारी माँ चाहती है कि तुम अब शादी कर लो, तुम्हारे लिए हम लोगों ने लड़की भी देख ली है। लेकिन इसने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, वो ज़मीन को घूरता रहा। आखिर जब वो चले गए तो इसको ऐसा लगा कि उनको मेरी खामोशी हाँ ना लगे, ये चुपचाप साइकिल लेके उनके पीछे गया और जाकर साफ कह दिया कि मैं शादी नहीं करूँगा। फिर इसके फादर ने भी इसको जोर नहीं दिया कि भाई शायद ये अपने पास से निकल ही नहीं पाया है। इसके बाद मोहन उसे समझाने लगा, बोला, भाई तू भूल जा उस लड़की को, अभी अगर तू उस लड़की से शादी कर लेगा तो तुझे पैसा भी मिल जाएगा, अपने काम के लिए सपोर्ट भी मिल जाएगा, कब तक सच्चाइयों से मुंह मोड़ता रहेगा तू? मोहन की बातें उसे इतनी लगी कि एक बार के लिए वो लड़की देखने को राज़ी हो गया। और इसके ठीक 5 दिन बाद में चंद्रन अपनी माँ के साथ ट्रेन में तालपुर चला गया। वहाँ उसे लड़की देखनी थी, अपना जवाब देना था। उसने एक बात जो बार बार अपनी माँ को कहकर साफ कर दी थी कि मुझे अगर लड़की पसंद नहीं आई, मुझे शक्ल सूरत पसंद नहीं आई तो मैं शादी नहीं करूँगा, और आप मेरी बात का बुरा नहीं मानोगे, ठीक है? तो वो बोले, ठीक है, कोई बात नहीं है, मुझे भी तेरे फादर के देखने से पहले 5 लड़कों ने देखा था, सबने रिजेक्ट कर दिया। उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि इसकी माँ को भी रिजेक्ट किया गया था। फिर वो बोली कि भाई, जिसके नसीब में जो लिखा होता है वो तो उसको मिलना ही है, जोड़ियाँ आदमी नहीं बनाता, जोड़ियाँ भगवान बनाता है। अब वक्त आ गया था जब कुछ मिनटों बाद चंद्रन उस लड़की को देखने वाला था। जैसे वो जयराम अय्यर जी के घर में दाखिल हुआ, लड़की के पिताजी, दरवाजे पर ही उसका वेलकम किया गया। पूरी फैमिली काली थी, उसे डर लग रहा था कि लड़की कैसी होगी। इसके बाद जब वो लड़की कमरे में आई तो चंद्रन का फर्स्ट रिएक्शन तो ये था कि लड़की की तरफ देखे ही नहीं, लेकिन फिर जब उसने अपना सर लड़की को देखने के लिए घुमाया तो उसने नीले रंग की साड़ी पहन रखी थी, कानों और गले में उसके हीरे लटक रहे थे, शरीर की बनावट भी काफ़ी अच्छी थी, उसका चेहरा देखकर तो एक बार के लिए इसके दिल में आया कि ये तो मालती से भी खूबसूरत है। उसका दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा कि जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। इसके बाद उस लड़की से चंद्रन की शादी हो गई और यहीं पर ये कहानी खत्म होती है दोस्त। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर ली है तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये कहानी सुनने में मजा आया होगा। इसके अंदर जो साउंड इफेक्ट्स मैंने डाले हैं, जिस तरीके का म्यूजिक का यूज किया है, तो आपको ये कहानी आंखों के सामने चलती नजर आई होगी। तो सर, ऐसी बहुत सारी नोवेल जैसे कि प्राइड एंड प्रेजुडिस, टेज ऑफ द डियरबर वाइल्स, थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स, और ऐसी बहुत सारे नोवेल्स को मैंने डिस्कस किया है। अगर आपने ये वीडियोज नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, अभी जाकर देख लीजिए।